दायो जलिनी शिशिकरणम आरुग्याते आत्मादिवंद्रम देवादिवंद्रम मंद्रपुष्पांजलि हरि ओम। जगनेन जगमय जंद देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्या सन्नाते हनाकं महिमानः सचंद्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरि ओम। नंदनंदनाय विद्महे यशोदानंदनाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्ण प्रचोदयात्। हरि ओम। वृषभानुजाय च विद्महे कृष्णप्रियाय च धीमहि तन्नो राधा प्रचोदयात्। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा ग्रहाणा परमेश्वर। ओम भूर्वस्सायदायो सशक्तिकायो सहवानायो सपरिवाराय श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः। मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भागवत महापुराणी की जय हो। व्यास नारायण भगवान की जय हो। सीताराम चंद्र भगवान की जय हो। जी महाराज की जय हो। विश्वेश्वरनाथ की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। आइए सही वक्त श्रोतागण, द्वितीय दिवस की पावन बेला में आप सभी माता बहनों का, भगवत भक्तों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन है। आज द्वितीय दिवस की पावन बेला में सभी प्रवेश करें। अपने भारत में दो गंगा हैं, एक द्वार वाली प्रयाग गंगा और एक श्रीमद् भागवत रूपी गंगा। हरिद्वार प्रयागराज वाली गंगा के लिए हमें समय भी चाहिए, साथ साथ पैसा भी चाहिए, तब जा कर के कहीं स्नान हो पाते हैं। लेकिन ये भागवत रूपी गंगा ऐसी है जो आपके द्वार में, आपके बाड़ में सप्त दिवसीय 7 दिनों तक बहेगी, जिसमें हम सभी भक्तों का बड़ा सौभाग्य है अपने इस भागवत को श्रवण कर अपने मानव जीवन को सफल बनाए। भागवत रूपी गंगा और प्रयागराज वाली गंगा में फर्क इतना है, उसमें आप स्नान करेंगे तो आपकी तन की शुद्धि होगी और भागवत रूपी गंगा में तन के साथ अपना मन भी पवित्र होगा। तो द्वितीय दिवस की वेला में पुनः आप सभी का स्वागत वंदन अभिनंदन। कल आपको व्यास मंच के माध्यम से बताया गया था, प्रदीप मिश्रा जी बासुर धाम जी का बताया गया, इसमें तो ठीक देशों में भी रंग का रहा है उनके नाम। तो प्रभाव किसका है, किसके गुण है? प्रभाव तो ये भागवत रूपी गंगा का है ना, जिसमें विदेश में भी डंका बज रहा है। और आज जो भी अपना ये धर्म चल रहा है ये भागवतों से ही चल रहा है। जितना आदमी आज धार्मिक कार्य से जुड़ रहा है, पहले देखो शंकर जी के मंदिर में लाइन नहीं लगती थी, आज के दिन लाइन लग रही, तो किसके माध्यम से? भागवत मंच के माध्यम से ही ना। आजकल जितने भी भक्तगढ़ श्रोतागढ़ धार्मिक कार्य से जुड़ते हैं कहते हैं कि नहीं पंडित जी भागवत तुमने खूब सुन ली, अभी तो यहीं तो चल रही थी, अभी यहाँ चल रही वही तो भागवत है ना। लेकिन इसको अगर श्रवण करें तो इसमें कुछ ना कुछ अपन के लिए नवीन नया मिलता है। और इसके लिए ना सुने कि हमें पुण्य मिल जाए, इसके लिए बिल्कुल ना सुने। आइए श्रवण कीजिए भागवत और अपने जीवन को परिवर्तन कीजिए। इस भागवत रूपी से जो आप श्रवण करते हैं अपने कर्मों को तन किए तो पुण्य तो अपने आप लोगों के पीछे ही आएगा ना, क्योंकि कर्म प्रधान विश्व कई राखा और जो जस करें सो तस फल चाका। जैसा आप कर्म करोगे वैसा आपके लिए फल मिलेगा। इसलिए द्वितीय दिवस की पावन मेला में हम सभी चले पूज्य व्यास जी महाराज के श्री चरणों में। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। जय श्री राधे, श्री राधे, जय श्री राधे,
श्री राधे राधे श्री राधे जय ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। धियं सदा परिभव हम प्रणत पाल भवादिपूतम् वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम् वंदे विभूषितकरान्वनि पीतांबरादरुण बिंब फलाधरोष्ठा पुणेन्दु सुंदर मुखादर बिंदु नेत्रा कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहम् जाने राधनम यस्य राधा मंत्रो राधा मंत्रदात्री च राधा सर्वम राधा जीवनम यस्य राधा 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 वाच किम् श्री सीतानाथ समारंभां रामानंदार मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यंतां वंदे गुरु परंपरा हरि हरिश्चंदम हनुमंतम हलायुधम पंचकम संस्मरे नित्यम घोर संकट नाशनम। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय चोर प्रभु जय जय माखन चोर। वृंदावन बिहारी लाल जय हो। भागवत महापुराण की जय हो। जय जय श्री राधे। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर करुण वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु भगवान बाल कृष्णलाल की प्रतिमूर्ति स्वरूपा श्रीमद् भागवत महापुराण भूत भावन भगवान विश्वेश्वर के श्री चरणों में नमन वंदन करते हुए ग्राम देवता इष्ट देवता कुल देवता को प्रणाम करते हुए अनंतानंद वीतराग संत श्री हनुमंत लाल जी महाराज के चरणों में नमन वंदन करते हुए समस्त संत ब्राह्मणों के श्री चरणों में नमन वंदन करते हुए और आप सभी को सियाराम मैं सब जग जानी करह प्रणाम जोर जुग पानी इस भाव से सबको नमन प्रणाम है। आज द्वितीय दिवस की वेला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है वंदन है अभिनंदन है। जितने भी श्रोता
साधना दीप चैनल के माध्यम से कथा को श्रवण कर रहे हैं। आप सभी का भी बहुत बहुत स्वागत है, वंदन है। आइए 2 मिनट भगवान का नाम ले लिया जाए, फिर श्री बिहारी की कथा में हम प्रवेश करें। बड़े भाव के साथ मिलकर के गाएं, ताली सेवा करते हुए मस्ती में गाते हुए। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के, हमें कुंजी बिहारी।
कोई भी मंदिर हो, कोई भी देवालय हो, हर भगवान का नाम रहता है, उससे दुलार ज्यादा बढ़ता है, प्रेम ज्यादा बढ़ता है। तो हमारे यहाँ बैठे कुंज बिहारी, ओ ठाकुर हमारे जन्माद्यस्य तोन्वयादि तरतस् चार्थे शुभे ज्ञासुराः तेने ब्रह्म हृदाय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरया। श्री सूत जी महाराज मंगलाचरण में क्या कहा, जन्माद्यस्य तोन्वयादि तरतस् चार्थे शुभे ज्ञासुराः। बोले हम उसकी वंदना कर रहे हैं जो संसार में प्राणियों को जन्म देता है, पालन करता है और प्रसंहार भी करता है। चार्थे शुभे ज्ञासुराः, जिसका स्वरूप
सुराट है, विराट है। हाँ, ठाकुर जी का एक रूप नहीं है, ठाकुर जी के अनंत रूप हैं। पता नहीं किस रूप में भगवान मिल जाए। भोले बाबा के अनंत रूप हैं और भगवान द्वारकाधीश के भी अनंत रूप हैं। चार थे सो भिज्ञा सुरार तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यंतिय सूरया तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्र स गोमृषा धामना स्वेन सदा निरस्तु कुहुकम् सत्यम परम धीमहि। फिर यहाँ पे सत्य की वंदना की है। सत्य से बढ़कर के कोई धर्म नहीं है। हाँ, दुनिया में अगर कोई धर्म है तो वो सत्य है। बिना झूठ के काम नहीं बन रहा, जबकि मानस में लिखा है धर्म न दूसर सत्य समाना आगम निगम पुराण बखाना। सत्य से बढ़कर के कोई धर्म नहीं है। अच्छा, हम कहते हैं सत्यनारायण व्रत कथा, नाम है कथा का लेकिन करवाते हैं व्यथा। बताओ कथा उसमें कहाँ है? लीलावती कलावती ये तो इन्होंने कथा की थी, कथा कहाँ है? अगर साधु नामक वेश का आप नाम कहो तो वो उसने भी कथा की। तुंगध्वज नाम का राजा, उसने भी कथा की, लेकिन नाम कर लिया कि भैया हमें तो सत्यनारायण की कथा करवानी है। सुबह कोई रटी रटाई कथा सुनी, पंजीरी खाई, हवन किया और जय राम। आखिर सत्यनारायण का मतलब क्या है? इसीलिए तो कथा का प्रभाव नहीं पड़ता। फिर बोलती महाराज हमने बार आप उन्हीं की कथा करवाई थी, कुछ समझ में ही नहीं आया। बारह पूर्ण क्या, 24 पूर्ण करवा लो, कुछ नहीं होगा। सत्यनारायण का मतलब है जिस दिन हम सत्यनारायण व्रत रखते हैं उस दिन दिन भर हमारे मुख से एक भी बार झूठ ना निकले। हाँ, पूरे दिन बिल्कुल सत्य बोलो और दिन भर नाम जप करो। करते हैं हम नाम जप, नाम जब होता है बोले हाँ सुनो आज हमारे घर में सत्यनारायण कथा है आ जाना जी। नाम जब होता है पूरे मोहल्ला में ढिंढोरा पटवा देंगे कि हमारे घर में सत्यनारायण भगवान की कथा है। बुलाओ, अच्छी बात है, बुलाना भी चाहिए भगवान की कथा जितने सुने, लेकिन उस दिन हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। भगवान का नाम जप करना चाहिए दिन भर। अगर प्रसादी बना रहे हैं तो उसमें भी ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, तो वह प्रसादी महाप्रसाद बन जाएगा। तो सत्य बोलिए। अच्छा, राजा हरिश्चंद्र की कथा किस किसने सुनी है? सबने सुनी, बताओ किस किसने सुनी, हाथ उठाओ, हम पूछेंगे। हाँ, फिर बाद में नहीं कहना कि पंडित जी ने हाथ उठा दिया। राजा हरिश्चंद्र, आज भी हम राजा हरिश्चंद्र को सत्यवादी रूप में मानते हैं। राजा हरिश्चंद्र के जीवन में देखिए कितनी परीक्षा आई। सूर्यवंशी राजा हरिश्चंद्र, हाँ जिनने नहीं, जिनको नहीं पता वो सुन लो, और अब याद रखना हमेशा कि ऐसी परिस्थिति कभी हमारे जीवन में भी बन सकती है। सूर्यवंश के राजा हरिश्चंद्र एक दिन सो रहे थे, सोते सोते राजा को स्वप्न आया कि हमने अपना पूरा राज्य दान कर दिया। राजा हरिश्चंद्र सुबह उठे, सभा लगी, सभा में हरिश्चंद्र आए, सुनो
आज हमें स्वप्न ऐसा आया है कि हमने अपना पूरा राज्य दान कर दिया है। संयोग से उसी दिन विश्वामित्र आ गए। तो राजा ने मन में विचार किया कि स्वप्न में दर्शन मुझे वह दृश्य दिखा है और सामने विश्वामित्र महात्मा खड़े हैं। तो राजा के मन में ऐसा भाव जागृत हो गया, उसने अपना पूरा राज्य विश्वामित्र के लिए दान कर दिया। अच्छा, विश्वामित्र जी बड़े प्रसन्न भाई कि राजा ने पूरा राज्य दान कर, बोले महाराज एक काम करो, अब यहीं पे अच्छी पंगत और हो जाए। तो विश्वामित्र जी के साथ 1100 उनके शिष्य मंडल थे। कितने थे? 1100। 1100 महाराज जी के परिकरों के साथ विश्वामित्र जी महाराज हरिश्चंद्र के पास पधारे थे। 1100 महात्मा साहब बैठ गए, अच्छी पंगत चल रही, भोजन चल, प्रसादी चल रही, सब ने खूब पेट पे हाथ फेरा। हाँ, ये ब्राह्मणों को मनाने का एक उपाय है। पंडित जी को दक्षिणा कितनी भी दे दो तो प्रसन्न नहीं होंगे, अच्छी पंगति करा दो बस। हाँ, पहले के पंडित जी खाने के बहुत शौकीन थे, अब नहीं है, लेकिन पहले के बहुत थे, मीठा बड़ा प्रिय था। तो विश्वामित्र जी के साथ 1100 महात्माओं को राजा हरिश्चंद्र ने 56 व्यंजन का भोग लगाया, सब प्रसन्न हो गए। जब सब प्रसन्न हो गए, बोले गुरुजी भोजन में तो बड़ा आनंद आया है। अब विश्वामित्र ने कहा अब बुलाओ राजा को। हरिश्चंद्र जी आ गए, बोले महाराज आज्ञा करें। बोले राजन तुमने भोजन तो बड़ा अच्छा सुंदर खिलवाया है, अब एक काम करो, सब ब्राह्मणों को टीका कर दो, दक्षिणा दे दो। अब बताओ जिसका पूरा राज्य ले लिया, अब उसके पास कुछ है तो है नहीं, और उससे कह रहे हैं कि अब दक्षिणा और दो। हरिश्चंद्र ने कहा महाराज मेरी जितनी संपत्ति थी मैंने वह सब आपको दान में दे दी। तो विश्वामित्र जी ने कहा गुरुदेव, विश्वामित्र जी ने राजा से कहा राजन आपको शायद पता होना चाहिए, अभी तक आपने जो दिया है वो दान दिया है, दक्षिणा अलग होती है। हाँ, दान अलग है, दक्षिणा अलग है। महाराज लेकिन अब हमारे पास कुछ नहीं बचा। विश्वामित्र जी बोले भैया राजन हम 1100 ब्राह्मण हैं, 1100 ब्राह्मण हैं, एक ब्राह्मण अगर नाराज हो जाए तो भी भारी पड़ जाता है, फिर हम 1100 हैं, श्राप दे सकते हैं हम। अब राजा हरिश्चंद्र का दिमाग काम नहीं कर रहा कि बताओ जितना संपत्ति थी सब हमने दान में दे दी, घर मकान जितनी सब दे दिया, अब जी दक्षिणा मांग रहे हैं। अच्छा हम होते तो क्या करते, हम होते पूछते पंडित जी एक काम करो, बाबा रास्ता ना आप और हमारा वापस कर दो। राजा हरिश्चंद्र ने कहा एक काम करो गुरुदेव, सब आप ले लो, हम घर खाली करके जा रहे हैं, मजदूरी करेंगे, जैसे जहां से जो मिलेगा वो आकर के हम आपको दक्षिणा देंगे। अच्छा पहले इस समय में सोने के सिक्का चलते थे, तो विश्वामित्र जी ने कह दिया था हमें 1100 स्वर्ण मुद्राएं चाहिए। महाराज हरिश्चंद्र अपनी धर्म पत्नी को तारा को लेकर के साथ में बाजार में निकल पड़े। बेटा है रोहित, बाजार में जा रहे हैं। अच्छा राजा को देख करके कोई उनको काम नहीं दे रहा, बोले अरे महाराजा जहां जाते लोग पैर पड़ने लगते। थोड़ी और आगे गए तो आगे में लगाए फिर विश्वामित्र जी, बोले महाराज कहां? बोले गुरुदेव हमने सब आपको दान में दे दिया, अब हम मजदूरी कर रहे हैं। बोले नहीं राजन तुम तो जी गांव छोड़ दो, यहां मजदूरी नहीं कर सकते,
यहां से निकल जाओ बाहर। तो हरिश्चंद्र काशी में पहुंच गए। काशी में जाकर के वहां मजदूरी कर रहे हैं। एक दिन तो पत्नी ने विचार किया, वो पत्नी भी हो तो तारा जैसी हो। तारा को यह दुख हरिश्चंद्र का देखा नहीं गया। तारा ने कहा कि हे नाथ, मैं आपकी धर्म पत्नी हूं, अगर मैंने आपका सुख में साथ दिया है तो मैं आपका दुख में भी साथ दूंगी। आज आप पर दुख आया है तो हम उसमें भी आपकी सहभागिता निभाएंगे। बोले क्या करना है? बोले आप एक काम करो, हमें बाजार में बेच दो, उससे कुछ धन मिल जाएगा। बताइए, पत्नी कह रही है कि हमें बाजार में बेच दो। हरिश्चंद ने कहा, इतने जघन्य पाप में देवी आप हमें क्यों डाल रही हैं? बोले आप मत बेचो, हम खुद कह रहे हैं अगर हमारे बिकने से तुम्हारा धर्म बच रहा है तो हमें भी बेच दो। ना चाहते हुए भी तारा काशी में बिकने के लिए तैयार है, क्योंकि परीक्षा की घड़ी चल रही है। राजा की रानी बाजार में खड़ी है। संयोग से वहीं पर एक पंडित जी आए। बोले राजन, हम इस रानी के 500 स्वर्ण मुद्राएं देंगे, अगर देना हो तो दे दो इसके लिए हमें। बोले हमारे घर में कोई खाना भोजन बनाने वाली नहीं है, पूजन का सामान जुटाने वाली नहीं है, तो हम सोच रहे हैं अगर तुम्हारी रानी मिल जाएगी तो हमारी पूजन की सामग्री लगा देगी, हमारी बच्चों को देखभाल करेगी, भोजन बनाएगी, हम 500 मुद्राएं देंगे। रानी तारा ने तुरंत कह दिया, हाँ महाराज, आप हमें खरीद लो। 500 मुद्राएं ले ली, और जैसे ही 500 मुद्राएं ली वो विश्वामित्र जी तुरंत आ गए। बोले महाराज, कहाँ है दक्षिणा? एक हाथ से 500 मुद्राएं ली और दूसरे हाथ से विश्वामित्र को दे दी। बोले और? अभी तो और बाकी है। बोले महाराज, अभी इतनी है हमारे पास। बोले अभी 600 मुद्राएं बकाया है। रानी को पंडित जी ले गए, अपने काम में लगा लिया। अच्छा, जैसे ही पंडित जी जाने लगे तो जो रानी का बालक था रोहित, वह रोने लगा। बोले हमारी माँ को कहाँ ले जा रहे हो, कहाँ ले जा रहे हो? क्योंकि माँ से अलग बेटा रह नहीं सकता। तो हरिश्चंद्र ने पंडित जी से कहा, महाराज जी एक काम करो, आप हमारे बेटे को भी साथ में ले जाओ, क्योंकि यह माता से अलग रहेगा नहीं। पंडित जी ने कहा, राजन अब हमें जरूरत नहीं है, रानी को ले लिया वो हमारी काम करेगी, बेटी का क्या करना हमें, अब हमें कोई जरूरत नहीं। बोले महाराज ले जाओ, क्योंकि ये रह नहीं पाएगा, इसको भी ले जाओ। बोले ठीक है, हम ले जा रहे अगर तुम कह रहे हो, लेकिन इसकी हम कीमत खाली 100 मुद्राएं देंगे, मंजूर? राजन ने कह दिया, हाँ मंजूर है, सोई में ले जाओ। जिसकी पत्नी बिक गई बाजार में, बेटा बिक गया बाजार में, लेकिन उसने अभी भी धर्म नहीं छोड़ा। विश्वामित्र जी आए, 100 मुद्राएं फिर ले गए। अब क्या करें हरिश्चंद्र, अब कहां से चुकाए? जब हरिश्चंद्र को कुछ समझ में नहीं आया तो एक दिन हरिश्चंद्र भी बाजार में खड़े हो गए। बोले भैया, मुझे ही कोई खरीद लो, जो काम रहेगा हम वो करने के लिए तैयार हैं, हमें भी आप ले जाओ। 400 स्वर्ण मुद्राओं में 500 में 400 में तारा बिकी, 100 में रोहित बिका, 600 में महाराज हरिश्चंद्र भी बिक गए। लेकिन संयोग देखिए,
राजा हरिश्चंद्र को खरीदा किसने? राजा जो धर्म सम्राट था, जिसके यहाँ हजारों दासियां काम करती थीं, हाँ कोई कमी नहीं थी राजा हरिश्चंद्र के पास, पूरा भरा पूरा परिवार था। लेकिन आज वह 600 स्वर्ण मुद्राओं में बिक गया, और खरीदा किसने? बोले काशी की चांडाल ने खरीद लिया। जाति से वह चांडाल था। बोले महाराज तुम्हें शमशान घाट चलना है, और वहां जो हम कहें वहां तुम्हें वो काम करना है। महाराज हरिश्चंद्र शमशान भूमि में गए हैं, वहां जाकर के क्या देखा? चारों तरफ लाशें जल रही हैं। देख के महाराज हरिश्चंद्र कांपने लगे। देखो सूर्य वंश में आए हम, हमने कभी अपना धर्म नहीं छोड़ा, लेकिन आज धर्म ने हमें इतने नीचे गिरा दिया कि शमशान भूमि में चांडाल के बीच में हम अर्थियों की देखरेख कर रहे, लकड़ियां बेच रहे। हाँ चांडाल ने काम दे दिया, ये काम करना, जो यहाँ पर ग्राहक आए तो लकड़ी बेचना, अर्थी की देखरेख करना। लेकिन हरिश्चंद्र सब काम कर रहे हैं, और उधर तारा भी पंडित जी का सब काम कर रही है। एक दिन संयोग से रोहित खेल रहा था, और रोहित को खेलते खेलते रोहित के पांव में सर्प ने डस लिया। तो रोहित ने चिल्ला करके कहा, भैया अगर पंडित जी के घर जा रहे हो तो कह देना हमारी मैया से कि सर्प ने हमें काट लिया है। वो आदमी गया और वहां जाकर के तारा से कहा कि तारा तुम्हारा जो रोहित नाम का बालक है उसको सर्प ने डस लिया, सांप ने काट लिया है। अच्छा उस समय तारा पंडित जी की सेवा में लगी थी, पूजन की सामग्री जुटा रही थी। बोले पंडित जी मेरे बेटे को सर्प ने काट लिया है, हम अभी आते हैं। बोले अरे कहां जा रहे हैं? 400 स्वर्ण मुद्राओं में तुम्हें खरीदा है, पहले हमारा काम करो। अब ना चाहते हुए भी तारा बैठी है, काम कर रही है, और रोहित के शरीर में वह विष फैल गया, रोहित का प्राणांत हो गया, मर गया। दुर्भाग्य देखो कफन भी नसीब नहीं है तारा के लिए, क्योंकि पैसा है ही नहीं, बाजार में बिक गई, दूसरे के यहां मजदूरी कर रही है। तो अपने बेटे को हाथों में लेकर के शमशान भूमि में गई है। शमशान भूमि में गई है, वो वहां जाकर के एक कोने में बैठ गई, क्योंकि जलाने के लिए लकड़ियां भी नहीं है। लकड़ियां कहां से मिली? अगर पैसा नहीं है तो कुछ नहीं है। महाराज हरिश्चंद की हालत ऐसी हो गई है कि अपनी धर्म पत्नी को पहचान नहीं रहे हैं। हाँ फटे हुए वस्त्र पहने हैं, वृद्ध अवस्था हो गई है, अपने पुत्र को नहीं पहचान रहे हैं, अपनी पत्नी को नहीं पहचान रहे हैं। लेकिन जैसे ही तारा ने देखा तुरंत पहचान गई। बोले महाराज आप? बोले तुम कौन हो देवी? महाराज हरिश्चंद्र ने कहा, महारानी तारा बोली कि हम तुम्हारी पत्नी हैं, लेकिन हम पर ऐसा संकट आया कि तुमने हमें बाजार में बेच दिया, हमारा बेटा बिक गया, हम बिक गए, लेकिन आज हमारे बेटे को सर्प ने डस लिया। वो दुर्भाग्य देखो कि आज हमारे पास जलाने के लिए लकड़ियां भी नहीं हैं। ऐसी विकट परिस्थिति बनी
तो विश्वामित्र से भी रहा ना गया, वो विश्वामित्र शमशान भूमि में आ गए। बोले राजन हम तुम्हारी श्रद्धा और भक्ति से प्रसन्न हैं, तुम पर इतनी विकट परिस्थिति बन गई लेकिन तुमने सत्य बोलना नहीं छोड़ा, तुमने अपने जीवन में कभी झूठ नहीं बोला। अब तो भगवान ने परीक्षा लेना बंद कर दिया। हाँ, अब भगवान परीक्षा नहीं लेता, जितनी पहले की भक्तों की परीक्षा लेते थे अब तो कुछ नहीं लेते। कलयुग ऐसा युग है, जितना फायदा कलयुग में भजन का है उतना किसी युग में नहीं था। हजारों वर्षों तक ऋषि महात्मा तपस्या करते थे तब भगवान की एक झलक मिलती थी, लेकिन अब तो केवल नाम का ही प्रभाव है। कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग के भगवान शंकर जी कह रहे हैं कि गोरा उमा कहाँ हूं मैं अनुभव अपना, पूरी जिंदगी का सार बता रहे हैं कि सत हरि भजन जगत सब सपना। हाँ, भगवान का नाम ही केवल सत्य है, उसके अलावा सब व्यर्थ है, सब सपना है। तो सत्यम परम धीमहि, सत्य की वंदना की है। धर्मा प्रज्वत कैत्रबोत परमो निर्मत सराणाम सताम। दूसरे श्लोक में कहा है निर्मत सराणाम, मतलब हमारे अंदर की मत्सरता मर जाए, हाँ द्वेष भावना मर जाए। जब तक हमारे अंदर द्वेष भावना रहेगी तब तक हमें भगवान नहीं मिलेंगे। कितना भी हम कुछ कर लें, कितने ही शंकर जी गुरु जल चढ़ाएं, लेकिन अगर हमारे अंदर द्वेष भावना है तो कुछ नहीं है। मत्सर मरना जरूरी है। निर्मत्सराणाम सताम, कि कंचन तजना सहज है सहज क्रिया का नेह, और मान बढ़ाई ईर्षा दुर्लभ तजना गे। ये छोड़ना बड़ी मुश्किल बात है। दूसरे का आदमी भला तो देख ही नहीं सकता। अगर दूसरे के घर में एक गाड़ी आ जाए तो हमें ये लगता है कि हमारे पास दो कब आ जाए। एक बार एक भगत गया भगवान के पास, भगवान प्रसन्न हो गए, बोले ब्रह्मरूही वरदान मांगो, क्या चाहिए। भगवान बोले जो मांगोगे हम वो देंगे, लेकिन साथ में पड़ोसी को डबल देंगे। तुम्हें तो एक बार देंगे लेकिन पड़ोसी को डबल देंगे। बोले ठीक है भगवान। वो घर आया, मन में विचार किया कि भगवान अच्छी एक गाड़ी आ जाए, तो उसके घर एक गाड़ी आई, पड़ोसी की पास दो गाड़ी आ गई। उठ करके बाहर देखा, रे हमारे पास एक गाड़ी आई, उसके यहाँ दो आ गई। फिर गया अंदर,
बोले हे प्रभु ऐसी कृपा करो कि अच्छी दो बंगला बन जाए। पड़ोसी जी चार बन गए। उसने मन में सोचा कि एक डबल डबल का अच्छा सिस्टम है, हम जितना सोचते कि हमारे पास ज्यादा हो लेकिन पड़ोसी तो हमसे भी आगे जा रहा है। अब उससे देखा नहीं गया। अब वो अंदर जाके भगवान से बोला भगवान ऐसी कृपा करो कि हमारी एक आंख फूट जाए। तो उसकी एक फूटी पड़ोसी की दोनों फूट गई। अच्छा उसको तो दिख रहा था। अंदर जाके बोला ठाकुर जी ऐसी कृपा करो कि हमारे घर में एक कुआ खुद जाए। तो पड़ोसी के घर में दो दो कुआ खुद गए। तो पड़ोसी कुआ में गुरु गोविंद आए नमो नमः। ऐसी हालत आज हमारी हो गई है कि हम दूसरे का भला देख ही नहीं सकते। तो निर्मत शरणाम सताम हमारे अंदर की मत्सरता मर जाए। सबको भगवान सियाराम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। अच्छा हम दूसरे को झुकना नहीं चाहते। हाँ पहले नियम था कि पंडित जी को साष्टांग प्रणाम करते थे गांव गांव में, फिर धीरे धीरे घुटनों का करने लगे। अब तो केवल हाथ दूर से झुकाते हैं बस। देखो चरण छूने से आचरण आते हैं। ऐसा नहीं कि हम झुक रहे तो हम छोटे बन गए। जिस वृक्ष में फल अच्छे लगे हो तो उसकी डाल अपने आप झुक जाती है। नमन्ति फल नो वृक्षा नमन्ति गुण नो जना। जिसमें अधिक गुण होते हैं वो अपने आप झुक जाता है, सरलता आ जाती है, अपने आप स्वभाव बदल जाता है। हाँ झुकने से हम नीचे थोड़ी हो रहे लेकिन सामने वाला जी सोचता है कि चलो भैया हमें इतना सम्मान दे रहा है तो वो तुम्हें डबल देगा। फिर अगर तुमने किसी से राधे राधे कर ली तो फिर वो एक कभी तुम ना बोल पाओ तो वो जरूर बोल देगा फिर पंडित जी राधे राधे। निर्मत सराणाम सताम तो भागवत रूपी फल कैसा है। बोले निगम कल्प तरूर गलितम फलम सुख मुखाद मृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम रहो रसिका भुवि भावुका। बिल्कुल पका हुआ फल है। हाँ इसमें गुठली नहीं है। जितना पियो। हम मन में विचार करते हैं कि भैया इतनी कथाएं हो रही हैं, इतनी कथाएं हो रही हैं, वोई की वोई कथा है, वोई धुंधकारी का प्रसंग सुनाएंगे इसके बाद ये सुना। अच्छा कथाएं भी सबको याद हो गई हैं। इतनी कथाएं हो रही हैं, इतनी कथाएं हो रही कि सबको याद हो गई, लेकिन ऐसी कोई कथा नहीं हुई इसमें कुछ नया ना मिले। आप सुनो बस हर कथा में। हाँ ऐसी कोई कथा नहीं हुई जिसमें कुछ नया ना मिले। एक पंडाल में एक महात्मा जी जब कथा हो जाती तो वो क्या करते कि यह पूरी बिछाई उठाते, वो बिछाई उठा करके वो धूल लाते, वो धूल को छान करके घोल बना करके एक गिलास पान करते रोज का नियम। पंडाल में श्रोता तो सब चले गए लेकिन उनका नियम वो पंडाल की धूल झाड़ू लगाते तो घोल बना करके पी जाते। एक श्रोता ने देखा कि महाराज जी क्या करते हो आप रोज का रोज। बोले सुनना चाहते हो हम क्या करते। बोले हाँ बताओ। बोले भैया हम यह धूल इसलिए छान रहे हैं, इसलिए घोल बना रहे हैं कि आज तक ऐसी कोई कथा नहीं हुई जिसमें हनुमान जी महाराज ना आए। हनुमान जी तो कालनेमी की, हाँ कालनेमी कथा सुनने पहुंच गए। फिर ऐसी कथा कोई नहीं हुई जिसमें हनुमान जी ना आए। तो हम सोच रहे हैं कि वह
पता नहीं किस रूप में हनुमान जी आ जाएं और बैठ जाएं तो कथा श्रवण करके चले जाएं। तो घोल बना करके इसलिए पी रहे हैं कि हनुमान जी के चरणों का वह चरणामृत हमें पान करने को मिल जाएगा। ऐसे ऐसे भगत हैं जिसमें भागवत की कथा तो ऐसी है कि हमारे हिसाब से तो भागवत पूरे भारत की दिल की धड़कन बन गई है। हर मोहल्ला में, हर गली में जहां देखो, हाँ, वैष्णवों का चिंतन, विद्वानों का मनन, तो भारत की दिल की धड़कन वह श्रीमद् भागवत महापुराण। तो श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि यह पका हुआ फल है, इसमें कोई गुठली नहीं है। जितना बने मुहूर मुहूर पियो, और अगर जो इससे अघा जाए तो फिर वो जीवित नहीं रह सकता। जिस दिन हमारे मन में विचार आ जाए कि हाँ हमने बहुत सुन ली, देखो कभी तालाब से अलग मछली जी नहीं सकती, क्योंकि मछली जल की रानी है। अगर तालाब से मछली को बाहर निकालोगे तो मछली मर जाएगी। ऐसी ही हमारी जिंदगी है, अगर हमारी जिंदगी से भजन पूजन और भगवान की कथा चली गई तो हम भी मर जाएंगे, हम भी नहीं बच पाएंगे। तो श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि नैम से क्षेत्रे ऋषिया सोनकादय सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्त्र समासत। श्री सूत जी महाराज बैठे हैं और सोनकाद ऋषियों ने 6 प्रश्न किए हैं। हाँ, सर्वप्रथम 6 प्रश्न किए हैं, क्या क्या? किम श्रेय शास्त्र सारा का स्वावतार प्रयोजनम, किम कर्म कवर अवतारस्य धर्मम कम शरणम गता। सोनक जी सूत जी महाराज से पूछ रहे हैं कि हे गुरुदेव, मनुष्य मात्र का कल्याण कैसे होगा? हाँ, प्राणी का कल्याण कैसे होगा, पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है शास्त्र सारा कहा, शास्त्र कितने हैं, शास्त्रों का सार क्या है, भगवान के अवतार कितने हुए, भगवान ने अवतार कौन कौन से लिए। हाँ, हमें तो क्योंकि कोई सोचता है कि देवी जी की पूजा करो, कोई सोचता है हनुमान जी की पूजा करो, कोई कहता है दुर्गा जी की पूजा करो, कोई कहता है राधा कृष्ण की पूजा करो, तो हम करें किसकी पूजा? ठाकुर जी के कितने अवतार हुए हैं, आखिरी में धर्म किसकी शरण में गया है। हमें यह 6 प्रश्न हैं, आप हमें इसका उत्तर दीजिए। श्री सूत जी महाराज कहते हैं हम उत्तर तो देंगे, उससे पहले हम अपने गुरु जी का ध्यान कर लें। किसका? बोले सुखदेव जी महाराज, जो जन्म लेते ही जंगल को चले गए। कौन कहा दे किसी को लिया है, हम पहली बार सुन रहे हैं कि जन्म लिए लेकर के सीधे जंगल को चले गए। बोले हाँ, सुखदेव जी का जन्म हुआ और सीधे जंगल को चले गए। तो श्री सूत जी महाराज सोनक ऋषियों के लिए कथा श्रवण करा रहे हैं। बोले महाराज, एक समय की बात, कैलाश पर भगवान शंकर माता पार्वती बैठी हैं, भगवान शिव माता गौरा को अमर कथा का पान करा रहे हैं। माता पार्वती से कहा, एक काम करना, हुंका भरना। हाँ, जब मैया कोई कथा सुनाती हैं तो हुंका भरना चाहिए, नियम ही है। भाई हम भी कथा सुना रहे हैं, अगर आप सब माता की मुंह ना हिले तो हमें कैसे पता कि भाई कथा सही जा रही कि उल्टी दिशा में जा रही है। तार से तार जुड़ जाता है,
हमें समझ में आ जाता कि हाँ हमारी कथा चल रही है तो सुन रही है माता है ना, हम सोचेंगे हम सुना रहे और एक कान से बाहर। तो भगवान शंकर ने कहा देवी ओम बोलना, तो माता पार्वती अमर कथा का पान, अमर कथा का पान माता पार्वती को भगवान शंकर जी करा रहे हैं। अच्छा कथा का विचार कैसे आया पार्वती के मन में, क्या हुआ? एक बार देवर्षि नारद जी पहुंच गए कैलाश, बोले देवी सब ठीक? बोले हाँ सब ठीक ठाक है। बोले भोलेनाथ कहाँ है? बोले घूम रहे होंगे कहीं, निर्गुण निलज कुभेश कपाली उनका कोई थोड़ा ठिकाना थोड़ी है, कहाँ है, घूम रहे होंगे भूत प्रेतों के संग। बोले हमें एक बात बताओ। नारद जी के मन में विचार आया कि आज हम भगवान शिव तो माता गौरी गौरा जी की लड़ाई करवाएं, क्योंकि शंकर जी बड़े भोले हैं, कितना कुछ कर दो गुस्सा नहीं आएगा शंकर जी को, कृष्ण जी तो रूठ जाएंगे। भोलेनाथ को तुम एक लोटा नहीं, एक कसेड़ी भी नहीं, एक गुंड भी जल चढ़ाओ, बम बम भोले हर हर महादेव, फिर भी शंकर जी को गुस्सा नहीं आएगी। हाँ बिल्कुल सरल है, इसीलिए तो भोले नाम है। पार्वती बोली गुरुदेव हमारे शंकर जी इतने भोले हैं कि कुछ नहीं छुपाते हमसे, गुरु मंत्र भी बता दिया, गुरु मंत्र जब बताया नहीं जाता, बोले वो भी बता दिया। बोले तो फिर ये बताओ कि शंकर जी मुंडमाला क्यों पहने हैं? पार्वती जी बोली हमें ये बस नहीं बताई कि मुंडमाला क्यों पहने हैं। नारद जी ने इतनी पट्टी पढ़ाई और नारद जी चले गए, और सामने से शंकर जी आ रहे हर हर महादेव। नारद जी ने दूर से प्रणाम किया, बोले कहाँ? बोले बस हम देवी जी से मिलने गए थे। अच्छा शंकर जी को शक हो गया, कुछ लफड़ा हो गया है। शंकर जी जैसे ही पार्वती जी के पास गए तो पार्वती जी तो कोप भवन में बैठे अलग से। हाँ पहले कमरे भी बनते थे गुस्सा होने के लिए, अगर लड़ाई हो जाओ तो मुंह से नहीं बोलना है, अलग से कमरे में चले जाओ तो पतिदेव समझ जाएंगे कि गुस्सा है। तो पार्वती जी गुस्सा है, बोले बा बोले देवी क्या बात है? बोले हम तो सोच रहे तुम भोले भाले हो। बोले क्यों क्या हो गया? बोले तुम तो महा कपटी हो कपटी। बोले बात क्या है? बोले बात ये है, हमें ये बताओ कि तुम जी गले में मुंडमाला क्यों पहने हो? शंकर जी बोले देवी मुंडमाला जी सब तुम्हारी है, हमारी। हाँ जितनी बार तुम मरती गई तो हम तुम्हारी माला बना के पहनते गए। अब तो पार्वती जी को और गुस्सा आ गई, बोली भोले बाबा अब तो सच में आप महाकपटी हो, क्या हो गया? बोले बताओ, हम हर बार मरते गए और आप जैसे के जैसे बने रहे। बोले देवी हमने अमर कथा का पान किया है। बोले हमें क्यों नहीं पिलाई वो अमर कथा? बोले तुम्हें सुनना है? बोले हाँ। तो कैलाश के शिखर पर भगवान शंकर बैठे हैं और माता गौरा बैठी हैं, अमर कथा का पान करा रहे हैं शिव जी। पार्वती जी हुंका दे रही हैं धीरे धीरे। पीछे वहीं पर सुख का अंडा पड़ा था, कथा हुई और कृष्ण जन्म के बाद माता पार्वती की आंख लग गई। हमने बताया था कि कथा में बहुत जल्दी नींद आती है, तो पार्वती जी सो गई। और जैसे ही रुक्मणी विवाह के बाद भोलेनाथ ने जयकार लगाई, बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। पार्वती बोले हाँ शिव जी, कृष्ण जन्म के बाद हमने कथा नहीं सुनी। बोले तो फिर कौन सुन रहा है? अच्छा जो पीछे वो अंडा पड़ा था उसमें से एक शुक्र निकल आया और वह ओम ओम बोलने लगा पार्वती की जगह पर। हाँ क्योंकि तोता में यह भगवान की देन है कि जो उसको सिखा दो तो वो ही बोलने लगता है। भगवान शंकर जी ने देखा कि पीछे बैठ करके तोता कथा श्रवण कर रहा है, अपना त्रिशूल छोड़ दिया।
तोता भागा भागा वो जाकर के व्यास जी की पत्नी देवी विजिका के गर्भ में उसी समय पर जमा ली जाकर के पेट में चला गया। अब शंकर जी आश्रम में बैठे हैं। व्यास जी बोले बात क्या है? बोले सुनो, एक तोता आया है, सुख आया है, वो तुम्हारी पत्नी के गर्भ में चला गया है। बोले तुम उसको मारने के लिए क्यों आए? शंकर जी बोले उसने कथा पीछे बैठ करके श्रवण कर ली। हाँ, इसीलिए भगवान की कथा ना हमें पीछे बैठ करके सुननी चाहिए, सामने पंडाल में। किसन मुख होई जीव मोहि जबहिं, जन्म कोटि अघनाश तबहिं। सामने जाने से भगवान हमारे करोड़ों जन्म के अघ पाप नष्ट कर डालते हैं। तो व्यास जी बोले कि भोलेनाथ, आप वास्तव में भोले हो। बोले क्यों? बोले जे बताओ कि जब उसने अमर कथा का पान कर लिया तो वो मरेगा कैसे? शंकर जी बोले हाँ, वो तो मर ही नहीं सकता। हाँ, शंकर जी बड़े भोले वाले हैं, वो जब अमर कथा, वो तो अमर हो ही गया है, तो मरेगा कैसे? शंकर जी लौट आए। पार्वती ने पूछा क्यों मार के नहीं आए? बोले नहीं, बोले उसने तो अमर कथा का पान कर लिया। पार्वती जी बोली भोले बाबा, आप वास्तव में भोले वाले हो। हाँ, कि मेरे भोले बाबा का जग में भोले वाला है। बाबा का
जग में बोलवाला है। बोले बाबा विश्वनाथ की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। तो ऐसे भगवान शंकर ने माता पार्वती को अमर कथा का पान कराया। इधर जो सुख व्यास जी की पत्नी के गर्भ में आया था वह बाहर नहीं निकल रहा है। देवी विजिका बहुत बार कह रही हैं कि पुत्र बाहर निकलो बाहर निकलो, लेकिन सुखदेव जी ने क्योंकि अमर कथा का कथा सुन ली है तो बाहर नहीं आ रहे। बोले अगर हम बाहर आएंगे तो संसार में फंस जाएंगे। बोले हमें तो भीतर ही रहने दो, यहीं बढ़िया है। बहुत बार निवेदन किया, बार बार कहने पर सुखदेव जी ने कहा कि हम जन्म लेंगे तो सीधे जंगल को चले जाएंगे। भाई एक वर्ष में माता की क्या हालत होती है वो तो माताओं से पूछो। हाँ, जितने कष्ट 100 बिच्छू के एक साथ काटने पर होता है उतनी माता को प्रसव पीड़ा के समय दर्द होता है। जिसके गर्भ में 12 वर्षों तक सुखदेव जी रहे उनको तो ऐसा लग रहा था कब निकलें। सुखदेव जी ने जन्म लिया और सीधे जंगल को निकल गए, सीधे जंगल में जा रहे हैं। अच्छा कुछ माताएं जंगल में स्नान कर रही थी तालाब में, तो सुखदेव जी निकले तो कुछ नहीं उन्होंने किया, स्नान करती रही। और जैसे ही व्यास जी गए तो सब पर्दा करने लगी। व्यास जी ने कहा कि माताओं जब मेरा पुत्र यहां से निकला तब तुमने पर्दा नहीं किया, अब पर्दा कर रही हूं। तो माताएं बोली व्यास जी आप हो वृद्ध गृहस्थी वाले हो लेकिन जो तुम्हारा पुत्र है वह निर्विकार है। हाँ उसमें विकार कुछ नहीं है, उसकी उम्र भले ही 12 वर्ष की हो गई लेकिन दिमाग बिल्कुल बच्चों जैसा है। सुखदेव जी महाराज जंगल में गए जाकर की तपस्या करने लगे। इधर व्यास जी महाराज चिंतित थे क्या करें। उसी समय पर नारद जी आए। नारद जी आए व्यास जी से पूछा कि आखिर चिंतित क्यों हो। बोले मेरा पुत्र ने जन्म लिया और सीधे जंगल को चला गया। तब नारद जी ने व्यास जी से कहा व्यास जी भगवान के श्री चरणों में अपने मन को लगाओ, मैं दासी पुत्र नारद हूं। हाँ पहले नारद जी दासी पुत्र थे। नारद जी के साथ क्या घटना घटी कि एक बार नारद जी के घर में महात्माओं की टोली आ गई। नारद जी के घर में रुके और रोज बैठ करके भगवान की पूजन करें सेवा भाव करें। तो नारद जी छोटे से थे तो बैठे बैठे देखते, तो नारद जी के मन में एक लगाव लग गया। कैसा कि जैसे जी महात्मा पूजन करते ऐसे ही हमें करना है। अच्छा जब वो महात्मा जाने लगे तो नारद जी के मन में विचार आया कि क्यों ना हम महात्माओं के साथ चले जाएं। लेकिन फिर मन में विचार आया कि अगर महात्माओं के साथ में गए तो हमारी माता जी हैं, माँ को छोड़ भी नहीं सकते, माँ को छोड़ के जाएंगे तो पाप लगेगा। तो नारद जी भक्ति में इतने तल्लीन हो गए थे कि मन में विचार आ गया कि भगवान ऐसा करे कि हमारी माँ को सांप काट खाए, माँ चली जाए तो हम बाबाओं के साथ में चले जाएंगे। लगन है लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाए। तो नारद जी ने मन में ऐसा सोचा, महात्मा गए तो संयोग से एक दिन मैया को सांप ने काट दिया। नारद जी बड़े प्रसन्न भाई कि अब तो हमारी माता भी नहीं है। नारद जी तुरंत उठ करके चले गए जंगल में जाकर के खूब तपस्या की फिर भी भगवान की प्राप्ति नहीं हुई। फिर दोबारा नारद जी मानस पुत्र ब्रह्मा जी के द्वारा उत्पन्न हुए। ब्रह्मा जी ने वीणा दी और वो वीणा लेकर के नारद जी श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण। फिर नारद जी ने भजन करना प्रारंभ किया।
तो वही बात नारद जी आज व्यास जी महाराज को समझा रहे हैं कि गुरुदेव भगवान के चरणों में अपने मन को लगाओ। और चतुर्श्लोकी भागवत नारद जी ने व्यास जी को दी है, तो चार श्लोकों से व्यास जी ने 18,000 श्लोक बना दिए। और भागवत की रचना की, फिर सोचा के अभी किसको दें? नारद जी ने भागवत दी व्यास जी को। अब व्यास जी ने सोचा हम किसको दें? बोले हमारा पुत्र गया है जंगल में, उसको लौटाया जाए। तो सुखदेव जी हैं जंगल में, व्यास जी ने अपने कुछ शिष्यों को एक श्लोक सिखा करके जंगल में भेजा, जहां हमारा बेटा तपस्या कर रहा है वहां जाकर के तुम यह श्लोक बोलना। अच्छा, सुखदेव जी एक जगह बैठे चबूतरा पे ध्यान लगा करके, वहीं पर व्यास जी के शिष्य आए और बोलने लगे कि वरहा पीडम नटवर वपुहु कर्णयो कर्णिकारम विव्रतवासः कनक कपिसम वैजयन्तीं च मालां रन्धानं वेणुरधर सुधया पूर्णयन गोप वृंदये वृंदारण्यं स्वपद रमणं प्राविशत गीत कीर्ति। और जो सुखदेव जी महाराज के कानों में जिस लोग गया, आहा, सुखदेव जी तुरंत समझ गए कि कोई भगवान का दीवाना कह रहा है। हाँ, इस बरहा पीड़म नटवर बपू, ठाकुर जी कमर पे हाथ रख करके कदम के वृक्ष के नीचे जंगल में खड़े हैं। कर्णयो कर्णिकारम कान में कनेर का फूल लगा है, ओठों पे बांसुरी रखी है, चारों तरफ गैया खड़ी हैं। और जो ठाकुर जी तान छेड़ते हैं, और जहां जो भी तान सुनता है पशु पक्षी सब दौड़ करके ठाकुर जी के पास आ जाते हैं, बांसुरी खुशी है। और जैसे ही सुखदेव जी ने यह श्लोक सुना, तुरंत सुखदेव जी उठकर हाँ हाँ कौन सुना रहा है भैया, कौन सुना रहा है? बोले हम सुना रहे। बोले कहां से आए? बोले तुम्हारे पिताजी ने भेजा है, व्यास जी ने, उन्होंने एक भागवत नाम का ग्रंथ बनाया है, उसमें ऐसे ही 18,000 श्लोक हैं, सुनना है? बोले हाँ सुनना तो है, बड़ा मीठा लग रहा है, बोले चलो। तो अच्छा, सुखदेव जी विचार कर रहे जाएं कि ना जाएं। सुखदेव जी अब वो जंगल का एरिया छोड़ के आगे बढ़ गए, बोले अब हमें यहाँ बैठना ही नहीं, चले गए। शिष्य लौट करके अब व्यास जी के पास, बोले गुरुदेव हाँ मेरा पुत्र आ गया? बोले नहीं आया। बोले क्यों? बोले गुरुदेव आपने श्लोक तो बड़ा सुंदर दिया था। अच्छा, सुखदेव जी ने सुन भी लिया था, पास में आ भी गए थे, लेकिन जैसे ही हमने कहा कि चलो, वो वापस चले गए। बोले अब एक काम करो, एक बार और जाओ, एक श्लोक और हम दे रहे। तो चार शिष्य फिर से जंगल में गए, और जहां सुखदेव जी को ढूंढ करके देखा कि यहाँ बैठे हैं, वहां जा करके वह गुनगुनाने लगे कि अहो बकीयम स्तन काल कूटम जिंघास संयापयदप साध्वी लेभे गतिम धान्युतां ततोन्यम कम्बा दयालुं शरणं व्रजेयम् कम्बा दयालु शरणं व्रजेयम्। और जैसे ही सुखदेव जी ने सुना, हाँ, चारों शिष्य कह रहे हैं कि धन्य है बिहारी जी के लिए, जो पूतना आई थी मारने के लिए स्तनों में जहर लगा करके, लेकिन उसको भी ठाकुर जी ने माँ की गति प्रदान कर दी। इतने दयालु हैं ठाकुर जी, कोई तुम्हें मारने के लिए आए जहर लेकर के, तुम उसको माफ करोगे? लेकिन जब पूतना जहर लगा करके आई, ठाकुर जी ने उसको भी माँ की गति प्रदान की। भगवान इतने सरल हैं, इसीलिए विनीत जी कहते हैं
ऐसो को उदार जग माही। हाँ, इतना दयालु कौन हो सकता है, इतना दयालु कोई नहीं हो सकता। बोले कितना? बोले ऐसो को उदार जग माही, और जेही तन दियो ताही बिसरायो, ऐसो नमक हराम। विनीत जी कहते हैं कि बताओ, भगवान ने इतना अच्छा हमें जन्म दिया, मनुष्य की देह दी, कि जाकर के हमारा भजन करेगा, लेकिन हम इतने नमक हरामी हैं कि हम उनको ही भूल गए। जब हम गर्भ में उल्टे लटके थे तो भगवान से निवेदन कर रहे थे, भगवान हमें निकालो यहाँ से, निकालो। भगवान कहते क्यों क्यों निकालें, क्या करेगा? बोले हम तुम्हारा भजन करेंगे। भगवान बोले ऐसा तुम हर बार कहता है कि भजन करेंगे भजन करेंगे, वो संसार में जाता है, संसार में फंस जाता है। जीव कहता है नहीं भगवान, इस बार हम भजन करेंगे, इस बार जरूर करेंगे, इस बार तो निकाल दो। तो वही बात विनीत जी कह रहे हैं, ऐसो को उदार जग माही, जेही तन दियो ताही बिसरायो, ऐसो नमक हराना। भगवान बड़े दयालु हैं, बड़े सरल हैं। जब राम रावण का युद्ध हो रहा था, रावण शस्त्र चलाए, राम जी शस्त्र चलाए, पहले दिन जब रावण लड़ने गया तो राम जी ने रावण को परास्त कर दिया, निहत्ता कर दिया, बिल्कुल एक भी शस्त्र नहीं बचा रावण के पास। हाँ, जिसके चलने से धरती डोलती थी, चलत दशानन डोलत धरनी, धरती कांपती थी, आज रावण लंका की भूमि बिल्कुल निहत्ता खड़ा है, कुछ नहीं है रावण के पास। अच्छा, रावण ने सोचा कि जब हम निहत्ते हो गए हैं तो हो सकता है राम जी अब हमारा वध कर देंगे, मार देंगे। तो राम जी की दयालुता देखिए, राम जी ने कहा लंकेश जाओ, कल आना, हम कल युद्ध करेंगे। तो रावण रथ से उतरा है और मुंह लटका करके लंका की ओर चला गया, बिल्कुल शांत है, कुछ नहीं कह रहा है, किसी से बात नहीं कर रहा है। जैसे ही लंका में गया, किसी से बात नहीं गई, सीधे अपने कमरे में चला गया। मंदोदरी आगे पीछे घूम रही, बोले बात क्या है आज, क्या हुआ? कोई कुछ नहीं बता रहा है। सुबह से शाम हो गई, रावण ने किसी से बात ही नहीं की। और जब शयन कक्ष में दशानन पहुंचा और सोने लगा तो मंदोदरी बोली, नाथ आज दिन भर हो गया, आज आप इतने उदास क्यों, बात क्या है? तो रावण रोने लगा, बोले मंदोदरी आज तक हमने ऐसा इंसान नहीं देखा, हमसे किन्नर देवता गंधर्व सब डरते थे, हम सोचते कि हम हैं सो कोई नहीं है, लेकिन आज राम ने, राम की सरलता ने आज हमें भी रुला दिया। बोले राम ने कह दिया, आज हम बिल्कुल निहत्ते थे, राम चाहते तो आज ही हमें मार डालते, आज ही युद्ध समाप्त हो जाता, लेकिन राम ने कह दिया कि जाओ रावण कल आना, हम कल तुमसे युद्ध करेंगे, और हमें निहत्ता लंका में भेज दिया। तो राम जी इतने सरल हैं कि ना जाने कौन से गुण पे दयानिधि रीझ जाती है, कोई वो गुण कह नहीं सकते। तो सुखदेव जी महाराज ने जैसे ही सुना, सुखदेव जी महाराज दौड़ बोले अब तो हम कथा सुनेंगे। तो सुखदेव जी महाराज तुरंत व्यास जी के पास आ गए। तो वेद व्यास जी ने सुखदेव जी महाराज के लिए यह 18,000 श्लोकों वाला ग्रंथ श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कराई है। बोले सुखदेव जी महाराज की जय हो, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, जय जय श्री राधे। सुखदेव जी बिल्कुल निर्विकार हैं, दिन रात भगवान के नाम में लगे रहते हैं,
भगवान का नाम जप करते रहते हैं। कहना तो पड़ेगा, अगर हम भगवान से कहेंगे नहीं तो भगवान आएंगे भी नहीं, भगवान सुनेंगे भी नहीं। भगवान को जब तक हम कुछ कहेंगे नहीं भगवान सुनेंगे, क्योंकि जब हमारे कोई सामने आएगा और हम उससे बात ही नहीं करेंगे, बोलेंगे ही नहीं, तो वो सुन कैसे लेगा। तो भगवान से कहना पड़ेगा, ठाकुर जी हम आपके हैं, आप जानो, हमारी चाहे बिगड़े चाहे बने, हमारी लाज आपके हाथ में है। हे ठाकुर जी, हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे
सच्चे हृदय से बस कह बस दो हाँ बात तो एक ही होती है। हाँ फर्स्ट बार में पहली बार में जो बात लग जाए तो वो ही होती है। ऐसे हम रोज मंदिर जा रहे हैं लेकिन अगर एक दिन सच्चे हृदय से चाहे भोले बाबा हो चाहे गिरधर गोपाल हो एक बार सच्चे हृदय से ठाकुर जी को पुकार लो ठाकुर जी फिर रह नहीं पाते। उद्धव ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि ठाकुर जी आप ऐसे तो बड़े कहते हो कि हम भक्तों की लाज रखते हैं भक्तों की लाज रखते हैं लेकिन हमें आपकी एक बात समझ में नहीं आई। भगवान बोले क्या क्या नहीं समझ में आया। बोले हमें ये बताओ आपने द्रौपदी की रक्षा क्यों नहीं द्रौपदी लाज क्यों नहीं बचाई। बोले कौन कहता है नहीं बचाई। कब बचाई जब लाज खिंचने लगी तब आए आप। आखिर द्रौपदी की रक्षा इतने आने में देर क्यों की इतनी। ये बात सुनकर के भगवान रोने लगे। बोले उद्धव तुम ये कह रहे हैं हमसे कि हमने द्रौपदी की लाज नहीं बचाई तो सुनो हमें ये बताओ विदुष्ट ने हमें कब बुलाया। जब जुआ खेल रहा था भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं उद्धव से उद्धव सुनो जब जुआ खेल रहा था दुर्योधन ने अपना पूरा ग्रोह तैयार किया ग्रुप बनाया कैसे षड्यंत्र से पांडवों को हराना है। उद्धव तुम बताओ जब दुर्योधन ने अपनी तरफ से शकुनी को रखा था क्या धर्मराज दुष्ट अपनी तरफ से हमें नहीं रख सकता था।
और अगर युधिष्ठिर हमें जुआ में रख लेता कि अमीर बताओ तो इनकी हार हो जाती। एक तरफ धर्मराज की तरफ से भगवान श्री कृष्ण है, दूसरी तरफ से शकुनी है, बताओ जीत किसकी होती। बोले हाँ भगवान, ये तो सही बात है, अगर आप उस जुआ में होते फिर तो हार होती नहीं। भगवान कहते हैं उद्धव लेकिन इस धर्मराज दुष्ट ने मुझे नहीं रखा, मुझे बताया तक नहीं। पांचों भाई चले गए जुआ खेलने के लिए लेकिन मुझे नहीं बुलाया। और जब शकुनी के पासे शकुनी ने डाले तो धीरे धीरे धर्मराज सब कुछ हारने लगा। जब हार रहा था तब भी नहीं बुलाया। जब हमें समझ में आए कि हम परेशान हैं, दुखी हैं, तो हम भगवान को याद करते हैं। लेकिन धर्मराज सोच रहा था कि हम पांच पांडव हैं, धनुर्धारी अर्जुन, धर्मराज, गदाधारी भीम। हाँ, भीम में 10,000 हाथों का बल था, इसका ऐसा बलशाली भाई है वो हार सकता है। घमंड में चूर धर्मराज बैठा है, जुआ खेल रहा है, एक एक करके सब कुछ हार गया, यहाँ तक कि भाई हार गया, खुद को दाव पे लगा दिया, लेकिन भगवान को नहीं बुलाया। फिर भी भगवान को नहीं बुलाया, आखिरी में द्रौपदी को भी दाव पे लगा दिया, द्रौपदी को भी दाव पे लगा दिया और द्रौपदी को भी हार गया। फिर भी इसने हमें नहीं बुलाया। उद्धव, जब दुशासन गया, द्रौपदी के बाल पकड़े, घर में से खींच करके ला रहा है, उस समय द्रौपदी को हमारी याद नहीं आई। सोच लेती भगवान हमें बचाएंगे। द्रौपदी सोच रही है जिसके पांच पांच पति हैं, गदाधारी भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, धर्मराज, उसे कौन मार सकता है, जबरदस्ती बाल खींच के ला रहा है। वो जैसे ही सभा में लाया वहां भी द्रौपदी ने विचार किया कि जहां भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, धृतराष्ट्र सब बैठे हैं, जैसे ही सभा में आई तो सबसे पहले द्रौपदी ने धर्मराज युधिष्ठिर की तरफ देखा। युधिष्ठिर को देखा, युधिष्ठिर ने नीची को गर्दन कर ली। अर्जुन को देखा, अर्जुन ने मुंह लटका लिया। भीम को देखा, भीम ने भी मुंह लटका लिया। द्रौपदी ने सोचा कोई बात नहीं, नकुल और सहदेव हैं, उनकी तरफ देखा, उन्होंने भी मुंह लटका लिया। फिर भी द्रौपदी कहती अभी भी कोई बात नहीं, हमारे सास और ससुर बैठे हैं, लेकिन धृतराष्ट्र तो पहले से अंधे हैं, वो कैसे बचाएगा। गांधारी जिसकी आंखें हैं लेकिन वो पट्टी बांधे हैं, बताओ जी समझदारी है कि मूर्खता। कोई रास्ते में मिले वो कहे कि हमें रास्ता पार करा दो, अंधा व्यक्ति, तुम कहना एक काम करो हम भी आंखों पे पट्टी बांध ले रहे फिर पार करा रहे, तो गांधारी तो वैसे ही पट्टी बांधे हैं। द्रौपदी ने मन में विचार किया अभी भी कोई बात नहीं, अभी भीष्म पितामह बैठे हैं, द्रोणाचार्य बैठे हैं, लेकिन गुरुदेव की तरफ देखा तो उनका मुंह लटक गया, भीष्म पितामह की तरफ देखा तो उनका भी मुंह लटक गया। द्रौपदी ने मन में विचार किया मैं भी कोई साधारण कन्या नहीं हूं, पांडवों की पत्नी हूं, द्रौपदी ने कस के अपनी साड़ी पकड़ ली कि ऐसे नहीं खींच पाएगा जी। कस के साड़ी पकड़ी लेकिन दुशासन, 10,000 हाथियों का बल रखने वाला दुशासन, उसने साड़ी को खींचा। द्रौपदी ने सोचा कि अब हम नहीं बचेंगे,
तो फिर भी द्रौपदी कहती है, हे कृष्ण द्वारकावासिन, कृष्ण कृष्ण जगतपति, उस साड़ी को छोड़ करके आंखें बंद कर करके और जो हाथ जोड़े द्रौपदी ने के, हे कान्हा हमारी रक्षा करो, रक्षा करो, भगवान तुरंत प्रकट हो गए। द्रौपदी की लाज बचा ली, तुरंत आ गए ठाकुर जी। तो उद्धव से ठाकुर जी कहते हैं कि बताओ उद्धव, अब इसमें हमारी कहां गलती है, इसमें हमारी क्या गलती है, जब भक्त हमें नहीं बुलाएगा तो हम कैसे पहुंच जाएंगे। उनने बुलाने में देर की, तो वो भी क्या कहा, द्वारकावासिन, तो पहले हम द्वारका गए, वहां के निवासी बने, फिर हम आए, फिर हमने रक्षा की। तो भगवान को बुलाओ बस, भगवान दौड़े चले जाते हैं। श्री सूत जी महाराज से सोनक ऋषि पूछ रहे हैं कि हे गुरुदेव, भागवत की साप्ताहिक विधि कैसे बनी, आखिर हमने सुना है महाराज परीक्षित को श्राप लगा था, यह परीक्षित कौन है, इनको श्राप क्यों लगा हमें यह, और इनको सुखदेव जी ने कथा श्रवण कराई, कैसे श्रवण कराई, यह सब हमें कथा बताइए। तो श्री सूत जी महाराज कथा श्रवण करा रहे हैं कि यदा मृधि कौरव सृंजयानाम, यदा मृधि कौरव महाभारत के युद्ध का बिल्कुल अंतिम दिन है, हाँ आखिरी दिन है। आज भीम के द्वारा दुर्योधन की जंघा तोड़ दी गई, दुर्योधन युद्ध भूमि में पड़ा है, कराह रहा है। उसी समय पर अश्वत्थामा आया, अश्वत्थामा ने आकर कहा, रे मित्र क्या बात है। बोले मित्र हमें दुख इस बात का हो रहा है कि हम 100 भाई थे, 99 मारे गए और हम मरने वाले हैं। वो पांडव 5 भाई थे लेकिन 5 में से एक भी नहीं मर पाया। ये है दुष्ट बुद्धि, मरने वाला है लेकिन वो यही सोच रहा कि वो एक नहीं मरा, हम 99 मारे गए। अश्वत्थामा ने कहा कि दुर्योधन हमने तुमसे कहा था कि एक बार हमें तो सेनापति बना करके देखो, हमें बनाओ महाभारत के युद्ध का सेनापति, फिर देखते हैं। दुर्योधन ने कहा ठीक है, आखिरी सेनापति तुम, अपने खून से तिलक कर दिया अश्वत्थामा का। अब अश्वत्थामा गया है पांडवों को मारने के लिए, लेकिन जिसके बचाने वाले भगवान हो उसे कोई मार सकता है, हाँ भगवान की कृपा बस हो फिर कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। भगवान ने पांडवों को साथ में लिया और विजय का उत्सव मनाने के लिए निकल गए, और जहां पांडव सोते थे वहां पर पांडव पुत्र सुला दिए। अश्वत्थामा आया और आकर के सोते हुए पांडव पुत्रों के शीश काट करके, हाँ पांडवों जैसे ही पांडव पुत्र लगते थे देखने में,
भीम का अच्छा मोटा ताजा बालक धर्मराज तो सबके बिल्कुल उसी हिसाब से तो अस्वस्था माने रात में सुबह जय ही है सब पांडव तो पांचों के गले काटे शीश और थाली में सजा करके दुर्योधन के पास ले गए। जो दुर्योधन ने देखा दुर्योधन भी बेचारा आज आखिरी समय में दुर्योधन भी रोने लगा। अरे अस्वस्थामा ये तुमने क्या कर डाला? बोले क्यों? बोले हमने तुमसे पांडव को मारने के लिए कहा था लेकिन तुम तो पांडव पुत्रों को मार करके लेकर आ गए। अब तो हमें कोई पानी देने वाला भी नहीं बचा। तड़प तड़प कर दुर्योधन का प्राणांत हो गया, मर गया। अश्वस्थामा ने सोचा अब हम बचेंगे नहीं। अश्वस्थामा भागा है। और इधर जब सुबह हुई सुबह द्रौपदी ने देखा है, विचार कीजिए जिसका लंगड़ा लूला बहरा अंधा कैसा भी पुत्र हो, अगर वह पुत्र एक दो घंटे के लिए मोहल्ला से कहीं चला जाए फिर उसकी माता से पूछो कैसा लगेगा। पूरी मोहल्ले में पूछ गए हमारा बालक कहाँ है, हमारा बालक कहाँ है, हमारा बालक कहाँ है। लेकिन जिसके सौभद्रो द्रौपदाश्चैव सर्व एव महारथा, एक से एक महारथी, पांच पांच बालक इनके शीश काट दिए गए हों, उस माँ पे क्या बीत रही होगी। द्रौपदी खड़ी है, पांचों पांडव आए हैं, भगवान आए हैं। अर्जुन ने कहा भगवान चलो अश्वस्थामा को हम नहीं छोड़ेंगे। भगवान गए हैं, उधर अश्वस्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया है। इधर से अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र चलाया है, ब्रह्मास्त्र आपस में टकराए हैं और बांध करके अश्वस्थामा को द्रौपदी के सामने लाए हैं। लेकिन भागवत जी का श्लोक क्या कह रहा है कि ब्रह्म बंधुर्ण हंतव्य आतताई वधारिणा, जिसके पांच पांच पुत्र मारे गए हों और उसका हत्यारा सामने आ जाए तो माता क्या करेगी, छोड़ देगी उसको। लेकिन द्रौपदी अश्वस्थामा को प्रणाम कर रही है। भीम बोले द्रौपदी यह कोई महात्मा नहीं है, ये हत्यारा है, इसने तुम्हारे पुत्रों का वध किया है। द्रौपदी कहती है वो हत्यारा बाद में है, पहले हमारा गुरु पुत्र है, हमारे गुरुजी का पुत्र है। तो जब तक गुरुजी हैं तो गुरुजी उनके बाद गुरु पुत्र ही गुरु के बराबर है। तो अर्जुन कहते हैं मार डालो इसको, नहीं छोड़ना है। धर्मराज कहते हैं छोड़ दो, एक कह रहा है मारो एक कह रहा है छोड़ो। अर्जुन भगवान के पास गए, बोले भगवान क्या करें। भगवान बोले मार दो। लेकिन अर्जुन ध्यान रखना आताताई को मारने में पाप नहीं है लेकिन तुम्हें ब्रह्म हत्या लग सकती है। तो अर्जुन ने तुरंत अर्जुन को गीता का ज्ञान याद आ गया कि क्या करना चाहिए। अर्जुन ने अश्वस्थामा को अपमान करके भगा दिया, मणि निकाल ली, बाल मुंडन करके भगा दिया। हाँ सम्माननीय व्यक्ति का अपमान कर दो बस तो वो मारने के बराबर है, उसको मारने की जरूरत नहीं है। अब समाज में अपमान बस कर दो तो मरने से बढ़ के है वो। अश्वस्थामा का अपमान करके भगा दिया। अश्वस्थामा ने सोचा अब हम नहीं छोड़ेंगे। अश्वस्थामा ने फिर से ब्रह्मास्त्र चलाया है, इसके लिए देवी उत्तरा के लिए। उत्तरा के गर्भ में एक बीज है अभिमन्यु का पुत्र परीक्षित, तो उसको मारने के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ा है। और इधर भगवान लीला पूर्ण करके जैसे ही जाने वाले थे उसी समय पर देवी उत्तरा आ गई।
पाहि पाहि महायोगिन भक्ता नाम भयंकर। हे भगवान हमारी रक्षा करो, हे भगवान हमारी रक्षा करो। बोले क्या है? बोले जी अश्वस्थामा का ब्रह्मास्त्र हमारे तेज को जला रहा है। हाँ, भगवान को एक क्षण देने लगी। भगवान ने गर्भ में जाकर के ब्रह्म अस्त्र से राजन परीक्षित की रक्षा की है। बोले कृष्ण कन्हैया लाल जय हो। भगवान फिर से जाने लगे। इतने में अब मादा कुंती आ गई। कुंती आई और आकर से आकर के ठाकुर जी से कहने लगे, हे ठाकुर जी। हाँ, कुंती तो बड़ी विचित्र बात भगवान से मांग रही है कि विपदो संतु नाशाश्वत तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम यत्य चाग्न भुव दर्शनम। भगवान जा क्यों रहे थे? भगवान इसलिए जा रहे थे क्योंकि भगवान युद्ध जिता दिया था, धर्मराज राजा बन गया था, सब सुख सुविधा आ गई थी। तो कुंती मैया कहती हैं कि ठाकुर जी हमें सुख नहीं चाहिए, आप तो हमें विपत्ति दे दो, आप हमें विपत्ति दे दो। भगवान बोले दुगा ये क्या मांग रही हो तुम? हाँ ठाकुर जी, हमें वो सुख नहीं चाहिए जिस सुख में हम आपको भूल जाएं। और भगवान आपने हमारी हर समय रक्षा की है। बचपन में दुर्योधन इतना दुष्ट था कि भीम को उसने आम खिलाने के बहाने जहर मिलाकर के आम खिला देता था। कभी जहर देकर के मारना चाहा, कभी जिंदा जलाना चाहा। लाक्षाग्रह में जिंदा पांचों पांडव कुंती को जिंदा जलाने का प्लान बना लिया था दुर्योधन ने। कुंती कहती है ठाकुर जी आपने हर समय हमारी रक्षा की है और आज सुख आ गया है, आप जा रहे हो, आज भी आप मत जाओ, हमें वो सुख नहीं चाहिए जिसमें आप हमें छोड़ करके चले जाओ। हम भगवान को तब याद करते हैं जब हमारे घर में कष्ट पड़ जाए। हाँ, तभी याद आती है। बीमारी आ जाए, बोले महाराज जी एक काम करो, महामृत्युंजय जाप कर दो। अगर कुछ बीमारी आ जाए तो जाप तुरंत चालू हो जाता है, अनुष्ठान तुरंत चालू हो जाते हैं। सुख में नहीं आएगी, जब सुख रहेगा तो भगवान की बिल्कुल याद नहीं आएगी। जैसे ही दुख आएगा तुरंत भगवान को पुकारने लगेंगे, तुरंत ठाकुर जी को बुलाएंगे। तो इसीलिए कुंती कहती है कि ठाकुर जी हमें वह सुख नहीं चाहिए जिसमें आपकी याद न रहे, हमें तो आप चरणों में लगा करके रखिए। भक्त कहता है कि मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले।
मन के बाहर आ जा। तुरंत आ जाए लेकिन नाम आ जाए। माधव दास जब प्रसादी पाते सोते उठते बैठते 24 घंटे भगवान का नाम लेते थे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा, 24 घंटे नाम लेते ठाकुर जी का सुबह से लेकर शाम तक।
एक दिन क्या हुआ, माधव दास को एक सर्प ने डस लिया, सांप ने काट लिया। लेकिन माधव दास भजन में इतने तल्लीन थे कि सांप का असर नहीं हुआ, सांप के जहर का असर नहीं हुआ, तो हरे कृष्ण हरे कृष्ण जप रहे हैं। घर में गए, अंदर बैठे, अचानक से उनका शरीर काला पड़ गया, क्योंकि जहर सांप ने डंक मार दिया है, डस लिया है, तो पूरा शरीर काला पड़ गया, लेकिन मुख से निकल रहा है हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, लेकिन भजन बंद नहीं किया। एक दिन, दो दिन, तीन दिन हो गए जपते जपते माधवदास को, जो भगवान ने देखा कि बताओ, जब सर्प ने भी डस लिया लेकिन इसने भजन बंद नहीं किया, फिर तो सर्प भी बेशरम बन गया और माधवदास के सामने आ गया। बोली, माधवदास हमारे अपराध को क्षमा कर दो, सामने बैठा है, रो रहा है सांप कि हमने गलती की तुम्हें काट के, हमारे अपराध को क्षमा करो। वो माधवदास की भक्ति देखी, माधवदास ने आंखें खोली और जो सांप पे नजर पड़ी कि देखा काला है, तो काले सर्प में भी काला श्याम नजर आ रहा है, भगवान को देख रहे हैं माधवदास। इतनी तल्लीनता जब आ जाए, भगवान तुरंत चले आते हैं। कुंती ने ठाकुर जी से विपत्ति मांगी है। इसके बाद ठाकुर जी भीष्म पितामह के पास गए हैं। जब भीष्म पितामह के पास ठाकुर जी गए तो भीष्म पितामह लेटे हैं सीधे। अच्छा, जैसे जब हम सो रहे हैं वो भगवान आ जाए तो हम कहां खड़ा करेंगे, सिराने के पैरों के यहां, कहां बताओ, सिराने सब बोल रहे ना, कहां खड़ा करेंगे बता, पीछे सिराने पैरों के यहां, भगवान को पैर दिखाओगे। ठाकुर जी आए हैं, वो भीष्म पितामह के सिर के यहां खड़े हो गए, भीष्म पितामह लेटे हैं, रोम रोम में बाण छिदे हैं भीष्म पितामह के। भीष्म पितामह से ठाकुर जी ने से भीष्म पितामह ने कहा, घनश्याम एक काम करो, तुम सामने आ जाओ, पैरों के यहां पे हमारे, क्यों, किसी ने कहा नरक में जाओगे, मर तो रहे हो, भगवान को पैरों के पास खड़ा कर रहे। भीष्म जी बोले कि हम नरक में भी रह लेंगे, लेकिन हम ये नहीं चाहते, क्योंकि भीष्म पितामह लेटे हैं, उस सिर के यहां से दर्शन हो नहीं रहा है, तो भीष्म पितामह कह रहे हैं कि हम यह नहीं चाहते कि अंतिम क्षणों में भी हम भगवान को देख ना पाए, इसलिए हम ये चाहते हैं कि ठाकुर जी को जी भर के देखें, एक बार नहीं 100 बार नरक में रह लेंगे, लेकिन आखिरी समय तब हम आपको देखना चाहते हैं। भगवान हंस पड़े, तुरंत सामने आ गए। भीष्म पितामह ठाकुर जी से कहते हैं कि हे ठाकुर जी, आदमी का जीवन में सौभाग्य और दुर्भाग्य, एक बार सौभाग्य जरूर आएगा, एक बार दुर्भाग्य जरूर आएगा, लेकिन मेरे जीवन में देखो सौभाग्य भी आ गया और दुर्भाग्य भी आ गया। सौभाग्य क्या है, बोले हमारे सामने आप खड़े हो, इससे बढ़ के सौभाग्य क्या हो सकता है बताओ, जिसके सामने भगवान आ जाए इससे बढ़ के बात क्या है। बोले दुर्भाग्य क्या है, बोले दुर्भाग्य जी है कि सामने आप खड़े हो, हम आपको प्रणाम करना चाह रहे हैं लेकिन बाण छिदे हैं तो उठ नहीं पा रहे, ये हमारा दुर्भाग्य। सौभाग्य है कि हम आपके पैर पड़ना चाहते हैं लेकिन बाण छिदे हैं तो उठ नहीं पा रहा है, तो हाथ भी नहीं जोड़ सकते।
ऐसे आदमी मंदिर मंदिर जाता है, लेकिन देखो जन्म जन्म मुनि जतन कराही अंतराम कहे आवत नाही। जब हम चाहते हैं कि भगवान का नाम आ जाए तब नाम नहीं आता, और जब भगवान अच्छा हंस रहे हैं, भीष्म पितामह निवेदन कर रहे हैं, तो भीष्म पितामह से भीष्म पितामह ने ठाकुर जी से कहा कि हे ठाकुर जी, हम आपका वो स्वरूप देखना चाहते हैं जो आपने महाभारत में दिखाया था। हाँ, ठाकुर जी ने बड़ा विचित्र रूप धारण किया था महाभारत के युद्ध में। जब दुर्योधन ने देखा कि हम कौरव मारे जा रहे हैं, वो पांडव पांच ही हैं, मर नहीं रहे एक भी, तो आज दुर्योधन भीष्म पितामह के पास गया और बोला, दादा आप हो सेनापति? बोले हाँ। बोले हम 100 पुत्र हैं, एक एक करके मरते जा रहे हैं, पांडव पांच हैं, उनमें से एक भी नहीं मर रहा, क्या बात है? भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा ले ली कि दुर्योधन तुम कह रहे हो तो हम तुम्हें वचन देते हैं, कल हम एक पांडव का वध जरूर करेंगे, एक पांडव को जरूर मारेंगे हम कल। अच्छा, यही बात भगवान के कान में पहुंच गई, भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा कर ली है कि कल हम एक पांडव को मारेंगे। तो कन्हैया तो शुरू से चालाक है। भगवान ने शाम को क्या किया, द्रौपदी से कहा, द्रौपदी एक काम करो। बोले क्या? बोले हमारे साथ चलो। द्रौपदी को साथ में लिया है और आज द्रौपदी भीष्म पितामह को प्रणाम करने गई है, लंबा सा घूंघट लगा लिया है द्रौपदी ने। अच्छा, भीष्म पितामह नहीं समझ रहा कि कौन आ रहा है, भीष्म पितामह ने सोचा कि दुर्योधन की पत्नी है, तो द्रौपदी गई और जाकर के प्रणाम कर लिया। भीष्म पितामह ने कह दिया, अखंड सौभाग्यवती भव के आशीर्वाद मुख से निकला, आशीर्वाद मुख से निकला, सौभाग्यवती होए बेटी, ओह मेहंदी ना छूटे हाथों की, तुम पुत्रवती होए बेटी। भीष्म पितामह ने आशीर्वाद दे दिया और इतने में द्रौपदी ने अब घूंघट हटा दिया। अच्छा, द्रौपदी को भीष्म पितामह बेटी मानते थे, और जैसे ही देखा, अरे तुम, द्रौपदी ने कहा अब तो आशीर्वाद दे दिया, तुमने सौभाग्यवती कह दिया तो अब तुम्हारा वचन नहीं मिटना चाहिए। कल मेरे पांचों पतियों में जो एक भी मारा जाएगा, मैं कहती हूँ ए बाबा वरदान भंग हो जाएगा। अगर मेरा एक भी पति मारा गया, तुम्हारा वरदान भंग हो जाएगा। अच्छा, भीष्म पितामह समझ गए कि इतना द्रौपदी का दिमाग नहीं चल सकता। बोले कौन है तुम, किसके साथ आई हो? भगवान ने कह दिया चुप, बिल्कुल मुनि बोलना। द्रौपदी ने कह दिया हम सासू माँ साथ आए हैं। भीष्म तो हम भी देखें कहाँ है सासू तुम्हारी। भीष्म पितामह बाहर निकले, देखें तो कि सास के साथ है, किसके साथ आए। भीष्म पितामह जब बाहर आए तो क्या देखा कि द्वारे पर देखा बाबा ने एक अद्भुत दृश्य निराला है, एक पीतांबर का घूंघट मारे वह खड़ा मुरलिया वाला। और जो भीष्म पितामह ने देखा के बाजू में पीतांबर उड़े ठाकुर जी खड़े हैं, भीष्म पितामह गुस्सा हो गए, ए लाला तुम्हारी
काम बिगाड़ने की आदत गई नहीं, बचपन से ही तुमने सबसे काम बिगाड़े हैं, गोपियों का मक्खन चुराया, उधम किया, आज हमारा काम बिगाड़ने आ गए। हमने दुर्योधन को वचन दिया था कि कल हम एक पांडव को मारेंगे, वो भी तुमने आशीर्वाद ले लिया कि सौभाग्यवती भव, बोले अब तो आशीर्वाद दे ही दिया, अब तो आशीर्वाद मिल गया है। दूसरा दिन हुआ और जब युद्ध में अर्जुन के रथ पर भगवान श्री कृष्ण बैठे हैं, एक तरफ भीष्म पितामह आ रहे हैं और मानव भीष्म पितामह एक बाण से हजारों बाण चला रहे हैं, और जो बाण जब अर्जुन के रथ को घलते हैं तो अर्जुन चिल्लाते बचाओ बचाओ बचाओ, तो भगवान हंस रहे हैं। भगवान किस लिए हंस रहा है? भगवान को रात की बात याद आ रही है तो भगवान हंस रहा है, बोले अर्जुन हम कुछ नहीं जानते, तुम जानो। भीष्म पितामह बाण चला रहे हैं और अर्जुन डर रहे हैं, भगवान हंस रहे हैं। भीष्म पितामह ने एक बाण चलाया और भगवान के दोनों हाथों में लगा, दोनों हाथ बद गए तीरों से। भगवान ने फिर भी मुस्कुराहट दी, कुछ नहीं कहा, कोई बात नहीं। भीष्म पितामह सोच रहे अरे बात क्या है, भगवान कोई असर ही नहीं है। अब तो भीष्म पितामह ने योजना से बाण चलाया, तीर लिया और भगवान को छोड़ के सीधे अर्जुन पे ताना, और जो छोड़ा तो जाकर के सीधे अर्जुन के मुकुट में लगा, मुकुट गिर गया, भगवान थोड़ी सजग हो गए। भीष्म पितामह ने देखा हाँ अब फर्क पड़ा है, फिर से बाण निकाला तो फिर ताना, तो अर्जुन के कंधे को छूते हुए निकल गया, भगवान और सजग हो गए। और जब भीष्म पितामह ने फिर से बाण निकाला और अर्जुन के सीधे सीने पे चलाया तो भगवान रथ से कूद पड़े, और एक बाण जाकर के पहिए में लगा तो वही पहिया उठा करके भगवान खड़े हो गए मारने के लिए, आंखें लाल हैं तो भगवान लोग कांप रहे हैं। भीष्म पितामह हंसने लगे कि भगवान इसी स्वरूप का हम दर्शन करना चाह रहे थे, कम से कम आपको भी गुस्सा आ गई। अच्छा भगवान को गुस्सा क्यों आई? जो अपराध भगत कर करहिं, हाँ भगवान को कुछ बोल दो भगवान सह लेंगे। शिशुपाल की 100 गालियां ठाकुर जी ने माफ कर दी थी, 100 गालियां भगवान सुनते रहे थे, मतलब भगवान को कुछ कह दो भगवान सह लेंगे, लेकिन अगर तुमने धोखे से भी भगवान के भक्त को कष्ट दे दिया फिर भगवान नहीं रह पाते, फिर भगवान तुरंत आ जाते हैं चक्र लेकर के। तो भीष्म पितामह फिर चरणों में गिरे, माफी मांगी, तो वही बात आज भीष्म पितामह ठाकुर जी से कह रहे हैं कि हे ठाकुर जी, हमने महाभारत के युद्ध में जो आपका स्वरूप देखा है शायद ही वो किसी ने देखा हो, क्योंकि भगवान बहुत क्रोधित हो गए थे, आंखें लाल थी बिल्कुल, और भगवान से भीष्म पितामह बोले ठाकुर जी हमें जहां तक याद है 100 वर्षों तक हमने कोई पाप कर्म नहीं किया, 100 वर्षों तक, लेकिन हमने ऐसा कौन सा ऐसा अपराध कर दिया जिसके कारण हमें ऐसी दशा मिली, बाणों में छिदे हैं, ऐसा क्या हमसे गलती बन गई जिसके कारण हमारी यह दशा हो गई। ठाकुर जी कहते हैं गंग सुत सुन बानन सो विथित बिहाल हुई के पारत पुकारो पाही पाही शरणागति। जब विथित बाणों से विथित हैं तो भगवान ने कहा भीष्म पितामह तुम्हें 100 वर्ष तो याद है, एक वर्ष और याद कर लो। बोले क्या? बोले 101 वर्ष में तुम एक बार चले जा रहे थे, रास्ते में एक गिलहरी पड़ी थी, उसको तुमने अपने तीर से उठा करके
फेंक दिया, वो जाकर के कांटों के झाड़ में छिड़ गई। वो छह महीने तक वो तड़पती रही, उसी वजह से आज तुम्हें भी तड़पना पड़ा, तुम्हारे रोम रोम में बाण छिदे हैं। जो अपराध हम करते हैं उसका फल तो भोगना ही पड़ता है। हाँ, जैसा हम कर्म करेंगे एक ना एक दिन जरूर भोगना पड़ेगा। तो भीष्म पितामह ठाकुर जी से कह रहे हैं कि हे ठाकुर जी, कि इतना तो करे ना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। ठाकुर जी, आखिरी समय में आपकी एक झलक दिख जाए, कैसी? पीतांबरी कसी हो, बड़े पे कुछ हंसी हो। पीतांबरी कसी
इतनी प्यारी है। ब्रज के एक संत कहते हैं कि नंदलाल अगर जब तुम होते लली, ये ठाकुर जी लाला बन के तुमने इतना कमाल किया है, अगर तुम लली होते, नंदलाल अगर तुम होते लली तो गले कट जाते कड़ोरन के, पता नहीं कितने मर जाते फिर तो। इतनी प्यारी मुस्कान है, है? राक्षस आए थे मारने के लिए, जब सूपनखा की नाक कान काटे तो राक्षस आए थे मारने के लिए, जैसे ही राम जी ने देखा तो दोनों आपस में चर्चा करने लगे। जद्यप अग्नि कीन कुरूपा तो बदलायक नहीं पुरुष अनुपा, भैया इनने भले ही हमारी बहन के नाक कान काट दिए लेकिन जी इतने सुंदर हैं कि मारने के लायक नहीं है। क्यों? क्योंकि राम जी ने मुस्कुरा दिया था। तो वही बात भीष्म पितामह कह रहे हैं कि ठाकुर जी जब अंत समय आए तो आपके चेहरे पे थोड़ी हंसी और पीतांबरी, पीतांबरी कसी हो साथ में गाओ कि हे भगवान मेरी छोटी सी है अरे जी। ठाकुर जी अगर आप मान भी जाएं तो और क्या, अच्छा मर्जी क्या है आपकी, अच्छा बताओ मर्जी क्या है। हे ठाकुर जी जब आप आओ तो अकेले नहीं आना, मेरी छोटी सी है अरे जी मानो तुम्हारी मर्जी, राधे को संग में लाना जब प्राण तन से निकले, राधे को संग मिला जब प्राण तन से निकले, राधे को संग मिलाना जब प्राण तन से निकले,
सेना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले गोविंद नाम लेके मेरे प्राण तन से निकले। ठाकुर जी एक ही निवेदन है कि ऐसी कृपा कर दो कि जब अंतिम समय आए तो जिह्वा पर आपका नाम आ जाए। तो भीष्म पितामह भगवान से निवेदन करते हैं कि ठाकुर जी इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वे पुंगवे विभूमनी। हे ठाकुर जी हम अपनी बेटी से आपका विवाह करना चाहते हैं। भगवान से भीष्म पितामह कह रहे हैं कि हम अपनी बेटी का आपसे विवाह करना चाहते हैं। भगवान हंसने लगे कि पितामह है आपने तो विवाह ही नहीं किया शादी नहीं किया तो बेटी कहां से आ गई। जो आदमी ने शादी नहीं की आपने अखंड ब्रह्मचर्य का पालन किया है विवाह कब हो गया। तो भीष्म पितामह कहते हैं इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा जो मेरी मति है यह मेरी बेटी है मेरी बुद्धि में इसका विवाह आपके साथ करना चाहता हूं। वितृष्णा इसकी तृष्णाएं सब त्याग करके मैं आपको देना चाहता हूं। तो ऐसे ठाकुर जी ने भीष्म पितामह की सारी बातें सुनी है तो भीष्म पितामह को वरदान दिया है। जब सूर्य उत्तरायण हुए तो भीष्म पितामह भी स्वेच्छा से इच्छा मृत्यु का वरदान था तो स्वेच्छा से भगवान को धाम भगवान के धाम को गए हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। अंत समय में भगवान मिल जाए इससे बढ़कर के कोई बात नहीं है। हाँ जिसको जी सौभाग्य मिल जाए महाराज दशरथ जैसा कोई राजा नहीं हुआ। महाराज दशरथ सम्राट चक्रवर्ती सम्राट लेकिन महाराज दशरथ का दुर्भाग्य देखिए जब अंतिम समय आया तो एक भी पुत्र पास में नहीं है। दशरथ जी के पास एक भी बेटा पास में नहीं था। दो वन को गए थे दो ननिहाल में थे और गीदराज जटायु का सौभाग्य देखिए जिसने जिंदगी भर मांस खाया। मांस खाता था जटायु जिंदगी भर मांस खाया लेकिन जब अंत समय आया तो राम जी अपने हाथों में रखे हैं जटायु के लिए दोनों हाथों में रखे हैं। अच्छा राम जी रोना चाह रहे हैं लेकिन रो नहीं पा रहे। नैन सरोजन में भरी बारी और बार ही बार सुदारत पंख जटायु की धूरी जटायन से झारी। राम जी रोना चाह रहे लेकिन रो नहीं पा रहे। किसी ने पूछा तुम्हें दुख नहीं हुआ जटायु का। राम जी बोले भैया हम रोना तो इतना चाह रहे हैं इतना चाह रहे कि नदियां बह जाएं लेकिन तात जटायु के शरीर में लगी है तलवारें और आंसू होते हैं खारे। अगर हमने आंसू बहाए तो हमारे तात जटायु को कष्ट हो जाएगा इसलिए हम रोना चाह रहे लेकिन रो नहीं पा रहे। तो जो सौभाग्य महाराज दशरथ को नहीं मिला वो सौभाग्य जटायु जी के लिए मिल गया। तो ऐसे भगवान ने यहाँ पर लीलाएं की हैं। भगवान द्वारका को गए हैं धीरे धीरे समय बीता भगवान का भरा पूरा परिवार हुआ। अर्जुन को साथ में ले गए थे और जब अर्जुन वापस लौटे हैं धर्मराज ने पूछा कि अर्जुन तुम उदास क्यों हो। भीलन लूटी गोपियां बे अर्जुन बेईमान जिसके सामने जाने से सब डरते थे शत्रु कांपते थे धनुर्धारी अर्जुन के सामने लेकिन जब समय खराब आया तो भीलों ने गोपियां लूट ली अर्जुन रक्षा नहीं कर पाए। सारी घटना बता दी कि कैसे करके भगवान परम धाम को चले गए हैं। कुंती मैया का सुनते ही प्राणांत हो गया। सब धीरे धीरे उत्तरा के गर्भ से जो परीक्षित का जन्म हुआ था तो महाराज परीक्षित को राज सिंहासन पर बैठा करके पांचों पांडव स्वर्गारोहण के लिए चले गए।
इधर महाराज परीक्षित धीरे धीरे बड़े हुए हैं। एक दिन महाराज परीक्षित के मन में विचार आया कि देखें तो हमारे पूर्वज हमारे लिए क्या छोड़ करके गए हैं। तो इस विचार से महाराज परीक्षित नगर भ्रमण करने के लिए गए। जहां जा रहे हैं अपने पूर्वजों की प्रशंसा पा रहे हैं। अरे अर्जुन की तो बात ही क्या है, भीम की बात ही क्या है, सब तारीफ कर रहे हैं। लेकिन महाराज परीक्षित ने एक अद्भुत दृश्य देखा कि एक गाय खड़ी है तीन पैर पर और एक काला कलंका सा पुरुष उसको मार रहा है। वो चिल्ला रही बचाओ बचाओ। महाराज परीक्षित ने विचार किया कि हमारे राज्य में गौ माता को कष्ट, धर्म को कष्ट, तुरंत खड़क नकार करके मारने के लिए आ गए। जब मारने के लिए आए तो वह कलयुग पुरुष बोल पड़ा कि महाराज क्षमा करो, अब हमारा युग आ गया है। सतयुग चला गया, अब हमारा युग आ गया है। बोले मार क्यों, बोलो हमारा यहां स्वभाव है। बोले हम नहीं रहने देंगे। जब कलयुग ने निवेदन किया, दूतम पानम स्त्रिया सूनम, चार स्थान दिए हैं जहां जुआ खेलता हो, अत्याचार होता हो, पापाचार होता हो, वहां रहो, सब ऐसे ही स्थान दे दिए। कलयुग ने कहा भैया कोई भला सा स्थान दे दो, अच्छा सा। तो महाराज परीक्षित ने बिना विचार किए कलयुग के लिए स्वर्ण में वास दे दिया। महाराज परीक्षित घर आए, एक दिन संदूक निकाल करके देखा तो उसमें एक मुकुट रखा था जरासंध का। वह महाराज परीक्षित ने पहन लिया, पहन करके जंगल में गए शिकार खेलने के लिए। प्यास से व्यथित हो गए, एक आश्रम दिखा, आश्रम में गए। वहां श्रृंगी ऋषि तपस्या कर रहे थे, समीक ऋषि तपस्या कर रहे थे। तो महात्मा परीक्षित ने सोचा कि देखो बाबा जी हमें देख करके तपस्या के लिए बैठ गए कि हमें पानी ना देना पड़े, इसलिए तपस्या करने लगे। तो महाराज परीक्षित, क्योंकि कलयुग का प्रभाव तो हो ही गया था, तो वहीं पर एक सर्प पड़ा था, वह उठा करके उनके गले में डाल दिया और चले गए। उधर श्रृंगी ऋषि को पता चला, तुरंत जल लेकर के महाराज परीक्षित को श्राप दे दिया कि तुम्हें सातवें दिन तक्षक नाग बसेगा। इधर जब समीक ऋषि के पास श्रृंगी ऋषि आए, पूछा तो समीक ऋषि ने तुरंत संदेशा पहुंचा दिया महाराज परीक्षित के पास कि जाओ अपनी मुक्ति का उपाय कर लो, क्योंकि सातवें दिन तुम्हें तक्षक नाग डस लेगा। महाराज परीक्षित ने अपना पूरा राज्य जनमेजय को सौंपा है और गंगा के तट पर आ गए। और गंगा के तट पर आकर के बोले, मरने वाले को क्या करना चाहिए, म्रियमाणस्य किं कर्तव्यम्। कुछ महात्मा बोले एक काम करो, नवचंडी बिठा दो, दुर्गा जी का पाठ करा दो। बोले उसके लिए 9 दिन चाहिए। बोले महामृत्युंजय जाप करवाओ। हाँ महामृत्युंजय का इतना प्रभाव है, अगर संकल्प बस हो जाए, चाहे वो अस्पताल में काय ना हो, अगर संकल्प हो गया और जाप शुरू हो गया तो उसको मौत नहीं आएगी, तो गारंटी है। हाँ अगर सही तरीके से जाप हो गया, हमने खुद ऐसे कई यजमानों को किया है, जाप किया है और आज वो हमारे सामने है, तो महामृत्युंजय अच्छा प्रभाव इसलिए नहीं पड़ता है कि भगवान जानते थे कि आदमी है चतुर, कुछ भी पढ़ने से तो रह नहीं सकता। तो भगवान ने सब मंत्रों को कीलक कर दिया, जैसे हम पैसा रहता है तो तिजोरी में बंद कर देते हैं, ऐसे ही मंत्रों को सब कीलक कर दिया कि विनियोग, जब तक विनियोग न्यास ध्यान नहीं होंगे तब तक उनका प्रभाव नहीं पड़ेगा। ऐसे भगवान ने सब मंत्र लोकर में हैं, इसीलिए हम पंडितों से करवाते हैं, क्योंकि पंडित हर मंत्र का विनियोग जानते हैं, न्यास जानते हैं, फिर उसका जाप करते हैं तो वो फल मिलता है। अच्छा हम सीधे जपने लग जाते हैं तो उसका उतना फल नहीं मिल पाता। तो बोले उसके लिए 11 दिन चाहिए। आपस में चर्चा हो ही रही थी, उसी समय पर श्री सुखदेव जी महाराज का आगमन हो गया।
कि तत्राभवत् भगवान व्यास पुत्रो तत्राभवत् भगवान तत्राभवत् भगवान व्यास पुत्रो अलिखे लिंगो निजिलावे सुखदेव जी महाराज आ गए और जैसे ही सुखदेव जी महाराज आए तो सब ऋषि महात्मा आओ भगत में लग गए। बोले आओ महाराज जी बैठा रो। लेकिन महाराज परीक्षित ने सीधे आकर के कह दिया कि म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम, जिसकी मौत नजदीक हो उसको क्या करना चाहिए, जो मरने वाला आदमी है उसके लिए क्या करना चाहिए। और जो ऋषि महात्मा बैठे थे सब गुस्सा हो गए। बोले देखो इतने बड़े महात्मा आए, ना तुमने उनसे पानी की पूछी ना बैठने के लिए कहा, और सीधे अपना प्रश्न रख दिया। अच्छा महाराज परीक्षित हैं समझदार, महाराज परीक्षित जानते हैं कि जो संत महात्मा रहते हैं वह एक घड़ी से ज्यादा कहीं ठहरते नहीं है। जितना समय गैया को दुहने में लगता है, दूध निकालने में लगता है, उतने समय रुकते हैं एक जगह बस, फिर आगे बढ़ जाते हैं। तो महाराज परीक्षित ने सोचा ऐसा ना हो कि हम बैठा लें, टीका करें, पानी पिलाएं, भोजन कराएं, इतने में इनका समय हो जाए और जी चले जाए, तो हमारी मन की बात मन में ही रह जाएगी। इसलिए महाराज परीक्षित ने सीधा कह दिया कि मरने वाले को क्या करना चाहिए। तो मरने वाले को क्या करना चाहिए इसकी आगे की कथा हम कल श्रवण करेंगे। हाँ अब कुछ मन में ही रहने दो। तो कल सब अधिक से अधिक संख्या में पधारें, ठीक समय से आ जाएं, क्योंकि जब आप सब आ जाओगे तो यहाँ कथा भी जल्दी शुरू हो जाएगी, नहीं तो फिर ठंडी बहुत हो रही है, इसलिए सभी जल्दी आ जाएं। ठीक अब इसकी आगे की शेष चर्चा कल करेंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। एक बार हमारे साथ सब मिलकर के गाएं बड़े भाव के साथ ताली सेवा के साथ। अरे सब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, सब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, सब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, सब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, नाम तेरा प्रभु नाम तेरा, नाम तेरा प्रभु नाम तेरा, नाम तेरा प्रभु नाम तेरा, तेरा सब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, सब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। नाम जप का इतना प्रभाव है, चोरी करने वाला डाकू, उल्टा नाम जपत जग जाना, वो बाल्मीक भय ब्रह्म समाना, चोरी करते थे डाकर डालते थे, लेकिन नाम जप किया मरा मरा जपते रहे, राम राम नहीं किया मरा मरा, उतने में ही कल्याण हो गया। वो बाल्मीक अति दीन दुखी था, बाल्मीक अति दीन दुखी था, पूरे कर्म में सदा लीन था, पूरे कर्म में सदा लीन था, करी रामायण तैयार लेकर राम तेरा, करी रामायण तैयार लेकर राम तेरा, हो गए भव से पार लेकर राम तेरा, हो गए भव से पार लेकर राम तेरा।
श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। कुछ सूचना है, उसके बाद आरती और सभी प्रसाद लेकर ही अपने घर को जाए। कल पुनः ठीक 2 बजे से सभी माताएं बहने पुनः पधारें। शेष चर्चा कल। बोली वृंदावन बिहारी लाल, बोली बांके बिहारी लाल की। जैसे कि आप सभी भक्तों को भगवत भक्तों के लिए ज्ञात है, यह भागवत सार्वजनिक रूप से रखी गई है, ना किसी समाज के द्वारा ना किसी व्यक्ति के द्वारा रखा गया है। यह आयोजन आप सभी का और हमारा सब मिलकर ही इसके लिए करेंगे। जैसे कि कल की प्रसादी के लिए श्री राजू सोनी बम की तरफ से थी, और आज की प्रसादी जो परीक्षित के रूप में यजमान बैठे हुए हैं अनिल सोनी जी, आज उनकी तरफ से है। और कल की प्रसादी कृष्ण कुमार दुबे जी, सत्य प्रकाश दुबे जी की तरफ से रहेगी। इसलिए सभी माताएं बहनें, भगवत श्रोतागण, जो भी एक दिन का भी अगर यजमान बनना चाहता है तो इस व्यास मंच से, और सुबह प्रातःकालीन पूजन होती है तो 1 घंटा का समय सुबह और 3 घंटा का समय यहाँ दोपहर में निकाल सकते हैं। एक दिन के भी यजमान बन सकते हैं, जो भी भक्त बनना चाहता हो और जो भी प्रसाद वितरण करना चाहता हो तो वो भी प्रसाद वितरण अपनी साइड से करा सकता हो। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आरती कीजिए। चलिए अपने अपने स्थान पर सभी खड़े हो जाएं। ओम ज्वाला मालिनी नमः रत्ने सुरई नमः गंधादेच स्वाणी समर्पयामि हरि ओम मा चंद्रमा मनसो जात चो सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायश प्राण च मुखाग्नि जायत। ओ आरती हो रही रे कन्हैया तेरी मुरली कर कमाल, आरती हो रही ओ लाला तेरी मुरली कर कमाल, मुरली कर कमाल हो लाला तेरी बंसी कर कमाल, मुरली कर हरी ओ रही
तो सुख जीवन प्यारे पाथ हो। बलिहारी